भाई, हम सब माया का चर्चा कर रहे थे। तो माया का जो विषय है, ये अलग अलग एंगल से समझा जाता है, क्योंकि परसेप्शन भी है, वस्तु स्थिति भी है, सत्य के प्रतीक रूप में है, सत्य प्रतीत करवाने की क्षमता रखती है। ये माया बहुत जटिल। देखो, जिस उम्र में शादी करके पतली रोटी बना सकती है, उस उम्र में श्रेयांश खुद रोटी बना है। हाँ, कहाँ से कहाँ आ गए हम। उनकी क्लास में गए प्यार देने। हाँ, एक थोड़ा तो आइए, हम सब प्रार्थना करते हैं और प्रभुपाद जी के उन पर्पोट्स को थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग तृतीय स्कंध के 9वें अध्याय के अभी 34वें श्लोक में हैं, और इनको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। इससे पहले वाला एक श्लोक था, ये दूसरा श्लोक है। पहले वाले श्लोक में भगवान अपने बारे में, इस सृष्टि को निर्माण करने का, इसके अंदर रह के भी नहीं रहने का जो ज्ञान है वो देते हैं। दूसरा जो है वो, क्योंकि ये जो चार श्लोक है ना, ये हम गौड़ीय वैष्णवों को क्लैरिटी से हमारा पोजिशन डिक्लेयर करते हैं। अचिंत भेद अभेद जो स्थान है वो डिक्लेयर करता है। उसके बाद अब ये जो श्लोक है, इसमें माया क्या है और कैसे कार्य करती है और मेरे अंडर कैसे है वो बता रहे हैं भगवान। तो आइए उस श्लोक को पढ़ते हैं, और परपोर्ट्स अभी भी जारी है, वो पढ़ेंगे। तृतीयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ओ ब्रह्मा, व्हाट एवर अपियर्स टू बी ऑफ एनी वैल्यू, इफ इट इज विदाउट रिलेशन टू मी, हैज नो रियलिटी, नो इट एज माई इल्यूजरी एनर्जी, दैट रिफ्लेक्शन विच अपियर्स टू बी इन डार्कनेस। तो माया जो है, जो दिख रही है, वो वस्तु है, वो भगवान का मैनिफेस्टेशन है एनर्जी रूप में। लेकिन उसको एब्सोल्यूट सत्य समझ लेना और उसकी ये शक्ति जो आपको इस भ्रम में डाल देगी, उसको कहते हैं माया। क्योंकि उसको भगवान से भिन्न देख लिया हमने, तो अब वो उसका जादुई चल चलने लगेगा। यानी भगवान से पलटेंगे तो परछाई दिखेगा ना, भगवान को देख रहे तो नहीं दिखेगा परछाई। अगर परछाई को भी सूर्य के एंगल से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कि सूर्य को नकार देंगे तो परछाई को सत्य मान के चलना पड़ेगा। हमें उस परछाई को, अरे अपना स्वरूप देखो मेरी तरह दिख रहा है, अरे ये मेरी तरह चल रहा है, ये मेरी तरह हाथ हिला रहा है, ये मेरा है, यही मैं हूँ, चालू खेल चालू। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे आ गया। अब इसमें जो थर्ड पार्ट है, नो इट एज माई इल्यूजरी एनर्जी दैट रिफ्लेक्शन विच अपीयर्स टू बी इन डार्कनेस, कि जो अंधकार में भी रोशनी है वो ये माया शक्ति है। कैसे? तो पहले मुझे भी ये नहीं समझ में आया था, लेकिन परपोर्ट में प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आचार्य ने भी उसको समझाया। तो कल हमने देखा कि कैसे साइंटिस्ट लोग भी जो है अपने मन से ही बनाते हैं, और उसी को वो भगवान से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो उनके
कंक्लूजन्स आसपास रहते हैं लेकिन टच नहीं करते। ठीक है, आइए अब आता है ये रिफ्लेक्टरी एनर्जी का। ऑल्दो द रिफ्लेक्टरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड डिस्प्लेस वेरियस इल्यूजन्स टू द आईज ऑफ पर्सन विद पुअर फंड ऑफ नॉलेज, द सेम पर्सन नोज क्लियरली दैट द लॉर्ड कैन एक्ट इवन फ्रॉम फार फार बियॉन्ड आवर विजन बाय हिज डिफरेंट एनर्जीज, जस्ट एज फायर कैन डिफ्यूज हीट एंड लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस। जैसे आग जो है वो कहीं दूर है लेकिन वहां से भी वो लाइट दूर तक दे सकता है, कहीं हम दिया लगाते हैं तो दूर दूर तो उसको रोशनी जाता है। उसी प्रकार भगवान को वहीं रहने का जरूरत नहीं है, दूर भी रहेंगे वहां से भी काम कर लेंगे, सब जानते हैं। और ये जो इल्यूजरी एनर्जी है, रिफ्लेक्टरी एनर्जी बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन देने वाली, तो जैसे कमरे में आईना दे दो उसमें रिफ्लेक्शन का लाइट हो तो वो डायरेक्ट उस रोशनी का और इस रिफ्लेक्टेड रोशनी में फर्क है। ये रिफ्लेक्टेड रोशनी दिखने में ओरिजिनल रोशनी की तरह लगती है पर इसका इफेक्ट ओरिजिनल रोशनी की तरह नहीं, और इसलिए ये रिफ्लेक्टेड लाइट का स्टेटमेंट आता है, रिफ्लेक्शन विच अपियर्स टू बी इन द डार्कनेस। अंधकार में जो रिफ्लेक्शन है उसका कैसा है, वैसे ही ये इल्यूजरी एनर्जी है। ये दिखने में जीवित दिखाई देती है, संचारित दिखाई देती है, चैतन्य दिखाई देती है, कॉन्शियस दिखाई देती है नहीं। ये तो जीव शक्ति है जिसकी इच्छा शक्ति के कारण भगवान ने उसको अलाउ किया है, और ये बाकी तटपुंजे जो आइटम्स हैं ये हिलते हैं, एक्शन होता है, हमको लगता है ये क्रियामान है, ये क्रियाशील नहीं है। ये जो दीवाल है टाल से ढस जाएगा, पर इसको मेरे जैसे कोई आदमी आएगा पत्थर उठाएगा प्लास्टर करवाएगा उसको दीवाल चूना लगाएगा तो ये कोई जीव आएगा तो होगा, अन्यथा आप देख लो। तो जो भी मैनिफेस्टेशन है जब जीव होगा तब वो मैटर मैनिफेस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप रेगिस्तान में देख लो सब पड़ा है, हवा बह रहा है यहाँ से सैंड वहां यहाँ से यहाँ बस, फिर वहां कोई मनुष्य चले जाए या प्राणी चले जाए तो कुछ खोद देगा, मनुष्य चले जाए तो सैंड का कुछ बना देगा, दुबई बना दे सोचो, ये सऊदी उदी में रेगिस्तान है वहां भी कुछ बना दिए। तो मनुष्य जो है जीव शक्ति जहाँ है वहां कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट होगा, वरना प्रकृति अपने आप में कुछ करती नहीं, वो केवल काल के हिसाब से सब डिटेरियरेट करती है, वो क्रिएट करती है, डिटेरियरेट तो अपना अरेंज द साइकिल। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो इसमें आयुर्वेद को इन द मेडिकल साइंस ऑफ एंशिएंट एजेस सेजेस न्यू नोन बाय एज आयुर्वेदा देयर इज डेफिनेट एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉर्ड सुप्रीमेसी इन द फॉलोइंग वर्ड्स। एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा आयुर्वेद में और मॉडर्न साइंस में फर्क क्या है, मॉडर्न साइंस भगवान को नहीं मानता इसलिए इनका जो ग्रेज एनाटॉमी को फॉलो करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं हर चीज का रिएक्शन पढ़ पढ़ के उसको सोचते हैं कि ये इसके वजह से, वो एक मशीन की तरह देखते हैं, हालांकि वो ये जानते हैं कि डेड बॉडी को हम अलाइव नहीं कर सकते, हम मरने से पहले कुछ दवाइयां वाई दे सकते हैं, उसमें भी अब तो ये लोग इतना चीट करते हैं कि वो वेंटिलेटर लगा के फूम 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 होते रहते हैं, चला गया रहते हैं, पर ये हमको बताएंगे कि द किडनीज आर नाउ ओनली 20% वर्किंग, बेसिकली बोल दो ना भाई चला गया, इन लोगों को मार भी नहीं खाना होता रिश्तेदारों को, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी ली है ना कि हम बचाएंगे, इसलिए लोग घुमा देते हैं बातों को। तो जो वेंटिलेटर है ये एक सिस्टम ले लो पैसा लास्ट लास्ट, लेकिन ये जो डॉक्टर्स हैं ये कुछ कर नहीं सकते, ये सिर्फ वो क्या कर रहे हैं एक्शन रिएक्शन साइकिल पढ़ के वो कुछ रिएक्शन उसको दबाने का कोशिश करें। इसलिए अगर आपको कोई कमर दर्द है मोच आया हुआ है तो इनके पास जाइए, पहला इंजेक्शन देते आपको एकदम रिलैक्स हो गया, आपको लगा सब ठीक हो गया, एक्चुअली उसे कुछ ठीक नहीं हुआ, वो पेन किलर था, उससे आपके सेंस आपके जो सिग्नल्स जा रहे हैं ना वो बंद कर देता है, तो वो पेन वहीं का वहीं रह जाता है। इससे हमारा ही पॉइंट प्रूव होता है कि सारे चीजें मन से वो होता है, वरना कनेक्शन नहीं बनता तो कैसे, एनेस्थेसिया दे देते हैं तो वहां का सुन्न हो जाता है, नर्वस सेल्स को इन्होंने पड़ा हुआ है तो वो बंद कर देते तो वहां पर काट फाट कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये लोग उसमें सक्सेस हुए लेकिन वो सक्सेस टोटल नहीं है, वो रूट कॉज नहीं है, फिर वो जब दवाई का असर खत्म हो जाएगा फिर पेन चालू हो जाएगा, इसलिए लोग बोलते देखो डॉक्टर कितना अच्छा उसके पास जाते तो ठीक हो जाता बाद में खराब हो जाता लोग इतने भोले भाले रहते हैं। मुझे एक बार हुआ था, मैंने बताया था आपको, बार बार को फूड पॉइजनिंग हुआ था,
ट्रेन में था और ट्रेन कोडरमा ओडरमा ऐसे जंगलों से पार हो रहा था। फिर मैं कैसे तो पारसनाथ उतरा, इतना वॉमिटिंग और ये सब हो रहा था, समझ नहीं रहा था, चकरा रहा था सब, गैस हो रहा था, एकदम टाइट हो गया पेट, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मैं गया जब पारसनाथ उतर, डॉक्टर के पास इमीजिएटली गए, वो इंजेक्शन दिया, सब ठीक हो गया। मेरे को लगा रहे बस अब तो मैं क्लीन हो गया। तो फिर मैं गया, शाम में प्रोग्राम था, करते करते रात को 12 बजे वो फिर चालू हो गया, क्योंकि दवाई का असर खत्म हो गया। फिर रात को 12 बजे डॉक्टर के पास गया, उसको लगा मैं नेक्सलेट ले ही नहीं रहा था। मैं बोला अरे नहीं भैया, मैं साधु करके फिर अंदर लिया, इंजेक्शन लगाया, फिर वही वाला चीज। मैं बोला ये जबर गड़बड़ है। फिर मैं सीधा मुझे रांची ले चलूँ, मैं अपना किसी मेडिकल में चला जाऊंगा। वहां गया तो सुबह अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने ड्यूटी को बोला देख अभी नहीं जाएंगे तो ये फिर वो उसका दवाई खत्म चालू हो जाए, कुछ तो और है प्रॉब्लम, तो मॉडर्न मेडिसिन की दवाई दे दिया, तो हो गया। लेकिन वहां गया तो फिर वो डॉक्टर को बोला मेरे को यहाँ वॉमिटिंग हो, उसे मेरे को सुला दे किधर तुम तो। वो अच्छे थे लोग, अच्छे थे लोग, साधु ऐसा रिस्पेक्ट उन्होंने ट्रीट भी किया। तो पॉइंट ये है कि आपको बस कोई पैचअप सोल्यूशन है, स्टॉप गैप सोल्यूशन बोलते हैं इसको, टेम्परेरी सोल्यूशन। इस टेम्परेरी सोल्यूशन से दुनिया नहीं चलेगी, आपको रूट कॉज में जाना पड़ेगा। रूट कॉज आप तब तक नहीं समझिएगा जब तक धन्वंतरी भगवान विष्णु परमात्मा का हाथ आप नहीं देखिएगा तो नहीं। लेकिन आयुर्वेद का खासियत क्या है, इसमें परमात्मा फीचर प्रोमिनेंट है, इसमें औषधि भी। कल एक्चुअली संभव मैं मिस कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ पे कल के दिन एक नक्षत्र होता है, यहाँ पे कल के दिन हमारे गांव वाले एक फल होता है, उस फल को तोड़ के सब्जी में डाल के खाते हैं या डायरेक्ट भी खा सकते हैं, कल के दिन खाना होता है। तो उसके बाद कोई भी सांप आपको नहीं काटेगा। संभव मैंने कल का लंच मिस कर दिया, मुझे ड्यूटी ने बोला पर वही भूल गए, तो इस बार अपना कटा तो गया। लेकिन लेकिन वो यहाँ पे हम लोग सबको खिलाते हैं, तो वो ऐसा है कि वो दवाई वो फल खाने से काटता ही नहीं सांप, ऐसा है ये है इधर का। देखो भगवान ने कैसे नेचर में बता के रखा है कि क्या खाइएगा तो क्या हो जाएगा। इसके लिए आपको एंटी वेनम रखने के लिए फ्रिज, फ्रिज रखने के लिए ये लाइट, लाइट करंट होना चाहिए। फिर सब बेसिकली आप सरकार पे डिपेंडेंट रहो। यहाँ क्या है, वो फल आया, फल थोड़ा खाया, तो मुझे कल सब्जी लाके क्यों नहीं दे रहे, कल के सब्जी में दवाई तो बट ड्यूटी मैंने क्या किया इसको। तो एनीवेज तो वो फल होता है, आप लोग भी खा सकते हैं, आपको मैं अगले साल याद दिलाऊंगा यहाँ से जी भेज देता गुरु हूँ। जी, चलो लेकिन उसी दिन तोड़ के खाना होता है, प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो साल भर आप सांपों के साथ रह सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। वैसे दुनिया में मनुष्य रूपी बहुत सारे सांप हैं, ये भी दूर हो आइए, जाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र जप करिएगा तो वो भी दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आयुर्वेद को कोट करते हुए भगवान का कैसे हाथ है वो दिखा रहे हैं। तो यह श्लोक है, जगत यो निर अनिच्छस्य चिदानंदैक रूपिणः तुम सोस्ती प्रकृतिर नित्या प्रतीक्षा एव भास्वतः अचेतानापि चैतन्या योगेन परमात्मनः अकरोद् विश्वम् अखिलम् अनित्यम् नटकाकृतिम्। तो यहाँ कहा गया है, देयर इज वन सुप्रीम पर्सन हु इज द प्रोजेनिटर ऑफ दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। इस पूरे ब्रह्मांड को रचित जगत का एक रचेता है, भगवान है, एंड हुज एनर्जी एक्ट्स एज प्रकृति, और जिनकी शक्ति प्रकृति के रूप में कार्य करती है। डेजलिंग लाइक अ रिफ्लेक्शन, हम ये पॉइंट क्यों आया है कि रिफ्लेक्शन की बात हो रही थी, कि अंधकार में जो रिफ्लेक्शन है उस रिफ्लेक्शन से वो ओरिजिनल नहीं है, वो बस भास है। तो डेजलिंग लाइक अ रिफ्लेक्शन, ये जो भगवान की प्रकृति शक्ति है ये रिफ्लेक्शन की तरह चमकदार है। बाई सच इल्यूजरी एक्शन ऑफ प्रकृति, ऐसे ही भ्रम, क्योंकि रिफ्लेक्शन भी एक भ्रम है, इवन डेड मैटर इज कॉज टू मूव बाई कोऑपरेशन ऑफ लिविंग एंटिटी ऑफ द लॉर्ड। तो ये जो डेड मैटर है, जो अष्ट धातु है, पांच स्थूल तीन सूक्ष्म, ये पड़े रहते हैं, मन बुद्धि अहंकार शांत रहते हैं, वो शांत रहते हैं, लेकिन जो ही उसमें जीव जाता है, और काल तो एक्टिविटी करते रहता है, तो काल के साथ साथ तो चेंजेस में जीव जो है फंसते जाता है।
एंड मटेरियल वर्ल्ड अपियर्स लाइक अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस टू द इग्नोरेंट आईज. और इसी प्रकार ये जो अंधकार में चक्षु हैं इनको वो बहुत स्पेशल दिखाई देते. ठीक है. द इग्नोरेंट पर्सन देयरफॉर मे बी साइंटिस्ट फिजियोलॉजिस्ट इन ड्रामा ऑफ प्रकृति व्हाइल द सेम पर्सन नोज प्रकृति एज इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड. है ना, जो अंदर में है उसके लिए सत्य दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअली वो भगवान का रिफ्लेक्शन एनर्जी है. और ये अब याद रखिए, यही वो बात हो रहा है कि अंधकार में भी जो लाइट है वो भी इल्यूजरी है. तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये भी इल्यूजरी है क्योंकि ये प्रतीत होता है कि वो कर रहा है, वो कर नहीं रहा है. प्रकृति प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार मुरात्मा करता हम. तो अब इसको ये लगने लगता है कि अब ये सब कर मतलब मेरे वजह से सब हो रहा है. ये जो एनर्जी है चैतन्य मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्टेशन होने का, ये भी भगवान का ही है परंतु ये इल्यूजरी है. ठीक है. ओके, ये मैंने लाइट और उसका एग्जांपल दे दिया आपको, सन फायर ना, इस इल्यूजन को भी मैंने बता दिया. ओके वाह, मैंने पूरा पैराग्राफ आपके लिए बता दिया. ठीक है. अब आता है अकॉर्डिंग टू, और ये चीज जो पिछले हमने आचार्यों में पढ़ा था ना वो यहाँ पे आया. जैसे उदाहरण के लिए कहा है, देयरफॉर अ पर्सन इन डार्क इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स स्कॉर्पियंस ऑल्दो देयर मे नॉट बी सच थिंग्स. अंधेरे में स्कॉर्पियन या बिच्छू इन सबसे डरता है आदमी, हालांकि वहां होते नहीं. बट इन द लाइट द थिंग्स इन द रूम मे बी क्लियरली सीन and the fear of snakes and scorpions is at once removed. इसलिए वो भय निकल जाता है. Therefore, one has to take shelter of the light of the Lord as in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and not the reflective personalities who have no touch with the Lord. जिनका भगवान से संबंध नहीं है उनसे कोई ज्ञान लेके फायदा नहीं, क्योंकि उनसे आने वाला जो प्रकाश है या जो नॉलेज है वो खुद अपने आप में इल्यूजन. आपको बात समझ में आया? जैसे हम कई बार कर बता ना आपको कि कोई कोई व्यक्ति से इम्प्रेस हो जाता है, यही करते ही है ये लोग. मॉडर्न लोग कई स्टाइल रहा है. हाँ, कोई फुटबॉल प्लेयर है फेमस, रोनाल्डो है, मेसी है, हाँ, या फिर ऐसे कोई बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, हाँ, डेविड बेकहम, क्या क्या बड़े बड़े प्लेयर नाम होते हैं, इनके थ्रू ये ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं. और इन ब्रांड्स में कुछ नहीं होता. एक डॉक्टर हमारे एक भक्त को बता रहा था कि दो बियर पी लेना, दो दारू का बॉटल पी लेना फिर भी बच जाओगे, लेकिन स्प्राइट वगैरह नहीं पीने क्योंकि वो सीधा पी लीवर को फाड़ फोड़ के निकाल देते हैं. तो ये दिखने में अच्छा दिखता है पर ये अच्छा, लेकिन क्या करेंगे, स्प्राइट हमारे ही एक्टर एक्ट्रेसेस को देंगे, ओ कूल, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़. हालांकि जो सिंगर्स होते हैं प्रोफेशनल सिंगर्स, ये दारू पी के गाते हैं क्योंकि उनका गला ठीक रहे. तो ब्राह्मण लोग जो है जो वेद पाठ ज्यादा करते हैं तो वो नशा पान तो कर नहीं पाते, तो पान लेते हैं. पान जो है और कत्ते से जो वो बनता है उससे मन ये फ्री फ्लो रहता है, तो मंत्र बोलने में आसान होता है. बोले आम आम आ ब्राह्मण ब्राह्मण पूरा घटक के कर लेते हैं. तो ये नॉर्थ में होता है, साउथ वाले साउथ में दूध दही कर्ड राइस करके कर लेते हैं काम. तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये रिफ्लेक्टिव एनर्जीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इनकी बातों में नहीं आना है क्योंकि ये भगवान को नहीं मानते. और क्योंकि भगवान को नहीं मानते तो इनके बातों पे विश्वास रखना मूर्खता है. जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, ये लोग भगवान को नहीं मानते. एक मूर्ख तो ये बोल रहा था कि ये शक्ति को हम हटा देंगे. हम बोले ले भाई, इतना बड़ा रिस्क तो महिषासुर भी नहीं लिया था. वो देवी को मारने या देवी को स्वीकार करता था, ये हटाने में ही लगा हुआ है. तो कई बार लोग एक लेवल के मूर्ख होते हैं, मतलब मूर्खों के भी सरदार होते हैं. ठीक है. तो ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है और प्रमोट करके इनके माध्यम से गलत गलत चीजों को दिखाया जाता है. और हमें लगता है कि यही एडवांसमेंट है. कई बार हीरो हीरोइन लोग आती है और हीरोइन लोग आएंगे और ऐसे ऐसे कपड़ों का शोज रखेंगे कि ये कपड़े नॉर्मल है, पर हमारे बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पता नहीं होता है क्या है अच्छा है बुरा. वो फिर यही चाहिए यही चाहिए. फिर जो इंडस्ट्री वाले हैं या फिर जो क्लोथ इंडस्ट्री वाले हैं वो लोग वैसे ही कपड़े बनवा के मार्केट में लाते हैं. पांडव सेना का पहला काम होगा, ऐसा कपड़ा सी है तो हाथ काट देंगे, ऐसा कपड़ा बेचा तो तुम्हारा पूरा अकाउंट सीज करेंगे. बेचना ही नहीं, खत्म कहाँ है.
तुमको इम्प्रेशन आ गया अमेरिका जाओ, यहाँ नहीं। तो पॉइंट क्या है कि हमें वो कल्चर देना है जिससे वो एक्चुअली सैनिटी बनी रहे और ईश्वर की शक्ति अंदर आए, ईश्वर का कहा हुआ और स्ट्रक्चर वर्णाश्रम का आए, सब सुखी हो जाएंगे। ठीक है, वर्णाश्रम आप पालन करोगे नहीं, भगवान मानोगे नहीं, टाइम पास रहोगे, टाइम पास पैसा कमाओगे तो टाइम पास वाली लड़की आएगी, शादी करेगी, डाइवोर्स लेके तेरा पैसा लेके जाएगी। स्टार्ट टाइम पास से हुआ तो एंड टाइम पास से होगा, लेकिन स्टार्ट अगर सीरियस से हुआ, धर्म से हुआ, तो अंत भी धर्म से होगा। आप कभी देखो जो धार्मिक विवाह हुआ है तो पत्नी छोड़ के नहीं जाती, कष्ट सह लेगी, पति को नहीं छोड़ेगी, है ना। लेकिन धर्म आप नहीं करोगे तो ये अधर्म आपको ले डूबेगी। ठीक है, यह कहा गया है ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। नो वन शुड हियर भगवद गीता और श्रीमद भागवतम फ्रॉम अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान के अस्तित्व पे विश्वास ही नहीं रखता, उनका भागवतम या गीता पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे मैक्स मूलर है, या ये कोई बड़े बड़े इंडिजिनियस स्कॉलर्स होते हैं जो चेयर आर्म चेयर स्पेकुलेटर हैं, वो सिगरेट पीते रहते हैं। वेल कृष्ण सेज जस्ट दैट बट आई डोंट बिलीव। मैं तो इन लोगों को खोज रहा हूँ, मेरे जमाने में क्यों नहीं है। जूते से मारने का बहुत मन कर, पता नहीं भगवान मेरे को थोड़ा लेट पहुंचा। हमको पता तो हम लोग फेल ही देते मैक्सिमम। तो इन लोगों ने क्या किया है, हमारा ही सिस्टम रखा है लेकिन भगवान हटा दिए। हम मूर्ख लोग को लगता है कि हमारा ही चीज है, लेकिन भगवान हटा दिए। ये कितने मूर्ख है। अभी मैं एक पॉलिटिशियन का वो देख रहा था वायरल, बोलता है कि कोई तो एक पॉलिटिकल पार्टी का भाई बहन है, वो कितने दयालु है, उन्होंने मेरे लिए यहाँ का सीट छोड़ दिया, अपना कैंडिडेट नहीं लगाया। मैं बोला अबे मूर्ख, तू जीत भी गया तो ये तेरे ऊपर राज करेंगे और फिर ये बोलेंगे भगवान नहीं है ये सिखा दो, तो तुम्हें तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी भगवान नहीं है ये सिखाना पड़ेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई दया करे। हमारे हमारे जबकि वो बाहुबली है, बहुत बड़ा डॉन है, लेकिन देखिए उसकी लाचारी। हाँ, इन भाई बहन जो थर्ड क्लास भाई बहन है जो भगवान को नहीं मानते, इन मलच्छों के जूते ये चाट रहा है। खुद बहुत बड़ा यादव समाज से है लेकिन उसको जूता चाटना पड़ता है, इतना दुख का बात। अरे आप यादव, आप भगवान के वंश से हो, आपको तो बड़ा काम करना। राजपूत हो आप तो राम जी के हो, आपको काम करना। इस प्रकार से रहना चाहिए, नहीं तो ये बाहर की शक्ति अंधकार में और अंधकार कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों से हमें तो भागवत और गीता का ज्ञान भी नहीं सुनना चाहिए। Such a person is already doomed and any association with such doomed person makes the associator also doomed. मतलब ऐसे लोगों का संग करने वाले का भी संग करोगे तो आपको भी पतन हो जाएगा। तो विनाश मत करिए अपना, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। ठीक है, अब आता है अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण विद इन द मटीरियल कंपास देर आर इन्यूमरेबल मटीरियल यूनिवर्सेस। असंख्य ब्रह्मांड है और जो सब अंधकार में है। मतलब ये जो महत जब बन जाता है तो अंधकार तमस बन जाता है, और ये तमस इसलिए बनता है कि आपको सुधारने के लिए। और उसके अंदर जो ब्रह्मांड है वो अंधकार में है, उसके अंदर एक केवल एक सूर्य है, उसके अंदर एक सूर्य है, बस वो सूर्य जो है उतना ही प्रकाश दे रहा है, बाकी सब खत्म, और चंद्र है बस थोड़ा सा। तो यहाँ पे कहा गया कि इतना सारा है उसमें छोटा सा सूर्य दे रहा है, और ये कोई लैंप या कोई टॉर्च नहीं है जो किसी ने लगाया है, ये भगवान ने किया है। नो लैंप और मैन मेड टॉर्च लाइट हाउएवर पावरफुल इट मे बी कैन हेल्प वन टू सी द सन। वन सी द सन, सन रिवील्स इटसेल्फ। जो सूर्य है वो प्रकाश नहीं दे रहा है, वो अपने आप को भी प्रदर्शित कर रहा है। वैसे भगवान का सूर्य जब इस संसार में आएगा तब भगवान को भी पता चल जाएंगे और ये भी चीजें दिखने लगेंगी कहाँ क्या है। ठीक है, देयरफॉर द एक्शन ऑफ डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड और पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हिमसेल्फ कैन बी रियलाइज्ड बाय लाइट मैनिफेस्टेड बाय द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। हाँ, वो भगवान के केवल हेतु की कृपा से ही समझ में आएगा। द इम्पर्सनलिस्ट से दैट गॉड कैन नॉट बी सीन, गॉड कैन बी सीन बाय द लाइट ऑफ गॉड and not by man-made speculations. Here this light is specifically mentioned as विद्या। जो प्रकाश आपको भगवान के बारे में बताया उसको विद्या कहा गया है,
और जो भगवान को हटा के कुछ भी बात करे वो अविद्या है। नॉट ओनली ब्रह्मा बट एनीवन हु मेड ग्रेस्ड हु मे बी ग्रेस्ड बाय द लॉर्ड टू सी सच मर्सीफुल डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी कैन ऑल्सो रियलाइज द पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड विदाउट एनी मेंटल स्पेकुलेशन बिना किसी तामझाम के हम दिमाग पे जोर दिए हुए आप भगवान को जान सकते हैं, है ना। ये पावर। तो अब ये तो इधर का हो गया, हम लोग थोड़ा आचार्यों की टीका को देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली आचार्य ने बहुत सुंदर से लिखा है। अब आचार्य यही चीज समझाते हैं और थोड़ा टेक्निकल, तो सुन लीजिए क्योंकि ये हमारे बहुत काम आएगा और हमें एटलीस्ट वापिस सुनने में अलर्ट जाना है, अलर्ट हो जाते हैं। आज मुझे यौन हो रहा है, यौन क्योंकि मुड़ी खा ली, मुड़ी झाल मुड़ी। ओके, यहाँ पे हम एग्जांपल है यहाँ पे। हाँ, तो कल इसमें अब हम लोग उसमें आते हैं, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका शक्ति का। तो आवरण करता है और विक्षेप करता है, ये तो उदाहरण हमने देखे थे। तो कुछ उसी लाइन में परपोर्ट आगे जाएगा आचार्यों का। आचार्यों का अभी 1, 2, 3, 6, 2, 8 पन्ने कमेंट्री है। मैं चाहता हूं अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये पढ़ू, ठीक है। ये प्रॉपर परपोर्ट तो हो गया, हमको सिर्फ भगाना नहीं है, ये सब जेम है, जेम। ये खोज खोज के भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ कहा गया, द वर्ड अर्थ कैन ऑल्सो मीन वेल्थ। अर्थ का मतलब है धन। लाइक अ मर्चेंट हु हैज अटेंड वेल्थ थ्रू गुड फॉर्च्यून द लिबरेटेड सोल गेन्स नॉलेज एंड ब्लिस थ्रू विद्या एंड इज कंसिडर्ड वेल्दी। तो यहाँ कहा गया है कि जो प्रामाणिक व्यक्ति है वो क्या करेगा, जो मुक्त अवस्था को जाना चाहता है, वो उसका फायदा क्या है कि उसको ज्ञान मिल जाता है जो धन के बराबर है। कौन सा ज्ञान? विद्या। कौन सा विद्या? जिससे आप भगवान का दर्शन कर सके, वो विद्या। हर चीज को भगवान के संबंध रूप में देखें। देखो वेद तीन भाग में है, वेदांत सूत्र जो तीन भाग में है, पहला जो है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो हमें संबंध जानना है कि क्या संबंध है हमारा भगवान से। तो वो जो ज्ञान है, संबंध ज्ञान, वो मिल जाए तो वो धन है अपने आप में। इसलिए यहाँ पे अर्थ कहा गया है, वैल्यूएबल। लाइक द मर्चेंट हु बाय मिसफॉर्च्यून हैज नॉट अटेंड वेल्थ। लेकिन कोई दुर्भाग्यशाली अगर धन ना कमा पाया कोई व्यवसायी, उसी प्रकार द कंडीशन सो लविंग नॉलेज एंड ब्लिस कवर्ड बाय अविद्या इज कंसिडर्ड पुअर। लेकिन जैसे एक धनी व्यक्ति है, वो व्यवसायी व्यक्ति है, पैसा कमाना जानता है, परंतु दुर्भाग्यवश वो धन कमा नहीं पाया। उसी प्रकार कोई मुक्त अवस्था में है परंतु थोड़ा गाफिल होने के कारण अविद्या के ग्रसण में आ गया, यानी आवरणात्मिका शक्ति जो है माया की, वो उसको ढक दी, तो वो दुर्भाग्यशाली हो जाएगा कि सारा हमारे पास नॉलेज होते हुए भी हमने उस ढक्कन को स्वीकार कर लिया। जैसे हम लोग सोते हैं तो चद्दर टांगते हैं, पहले ऑलरेडी एक शरीर चद्दर है, इसलिए सुखदेव को समय कपड़ा नहीं पहनते थे, बोलते जब ऑलरेडी एक कपड़ा मेरे ऊपर है तो मैं दूसरा कपड़ा क्यों पहनूं। देखो कितने एलिवेटेड थे, हमको लगता नहीं ये कपड़ा है, हमको लगता ये कपड़ा है, इसके ऊपर हम चद्दर और गद्दी डाल के सोते हैं। मत उठाओ मम्मी, उनको लगता है अरे मैं 10 बजे उठता हूँ, मेरा बेटा सबसे आलसी है, उनको नंबर वन होना है किस में, आलसी में। हाँ, मम्मी वालों को बहुत प्राइड फील होता है, मेरा बेटा ना ये टुन्नू ना 10 से पहले उठता ही नहीं, देखिए नंबर वन, समझाइए ना, अंदर से उनको अच्छा लगता है मेरा बेटा और सोए, ठीक है। पापा लोग तो पीटते हैं, वो करते हैं, बुद्धि वाले होते हैं, बोलते इधर आ जा दो थप्पड़ लगाते, तब जाके वो बच्चा उठता है। तो जो बच्चे को आप नहीं उठाइएगा, आप उसको उठा नहीं रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कोई माता या पिता अपने बच्चे को अर्ली मॉर्निंग उठाते हैं, इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको है बताइए, हाथ ऊपर करिए, मेरे को पिन से हटा दो, 6-7 हाथ दिखेंगे। यस इंद्राणी माता, मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा उस मम्मी को ही होता है, बच्चा जल्दी उठेगा, जल्दी थकेगा, जल्दी सो जाएगा।
ठीक है ओके। राजवीर जी मैं कृष्ण प्रभु जी दंड उत्पन्न। मुझे लगता है प्रभु जी की जो सुबह उठता है वो बच्चा उसको फायदा होगा, वो सशक्त बनेगा हर चीज में, उसकी मानसिक विकास ठीक होगा। है हमको भागवत की दृष्टि से कुछ सोचने चाहता हूँ मैं आपको। मिशा माता हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बच्चे को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि शारीरिक रूप से मानसिक रूप से आध्यात्मिक रूप से सब तरह से फायदा उसी का होगा। उसकी पर्सनैलिटी सुधरेगी और उसका आध्यात्मिक और वैसे ब्रह्मरुत है सबने बताया हुआ हर जगह बताया गया ब्रह्मरुत का महत्व तो हर तरह से है चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। फायदा किसको इसलिए होगा? बच्चे को होगा प्रभु जी बच्चे को। ठीक है आकाश जी। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। सुबह की मतलब कि सात्विकता मतलब कि बच्चे में आ जाएगी तो बच्चे को ही फायदा होगा मतलब। यस रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता को फायदा होगा उनको टेंशन मुक्त हो जाएगी जीवन में। बच्चा स्ट्रोंग बन जाएगा कैपेबल हो जाएगा जीवन भर उनको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी वो अपने आप चल सकता है। ठीक है संगीता माता। प्रभु जी दोनों को फायदा होगा। आपने लगता है इलेक्शन में नोटा को वोट किया है, नहीं लगाया आपने, सबको फायदा हो गया तो। अरे इलेक्शन में ये भी होना चाहिए अबव ऑल अबव ऑल सबको। अजीत सिंह जी हरे कृष्णा दंडो प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी इसमें वो जो मदर है मम्मी है उसका जो लाइफ का टारगेट है वो बच्चा अर्ली इन द मॉर्निंग जग जाने से वो वो भगवान ठीक के है पास जाएगा, ये सब समझ गए सब लोग यही समझ गए। मुझे बताइए फायदा किसको है। फायदा मम्मी को होगा। यस हमारे अनिल अनिल जी नाम लिखा है। सूर्यवंशी माता जी ओके लगता हूँ गलती से हाथ कर दिया था। यस सुलभा माता। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी तक जो मैं भी आप लोगों बच्चा का विद्वत्ता चेक कर रहा हूं, अभी तक आप लोग नहीं पहुंचे। आप लोगों सबको मैं अभी तक 5 मार्क्स दूंगा। सुलभा माता हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरी कोई पात्रता नहीं आंसर देने का लेकिन मैं दे रही हूँ। वो पेपर सोल को लिखेंगे तो फायदा 5 मिलेगा, वो होगा भी नहीं मिलेगा नहीं तो। प्रभु जी वो सोल को फायदा होगा जो भी मतलब उसका कुछ तो सात्विक गुणों में शुरुआत तो हो जाएगी जो भी उठेगा अर्ली ओके आप कह रहे मॉर्निंग। हैं पृथ्वी को सोल को फायदा होगा सात्विकता का। नितिन जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धर्मों को फायदा होगा। इसको धर्म को ठीक है मैं दोनों की बात कर रहा हूँ मम्मी और बेटे के बीच। प्रवीण जी माया का चैप्टर है आपको पता होना चाहिए। प्रवीण जी प्रभु जी मैं दोबारा बोल सकती हूँ। कहाँ जाना है आपको? मैं दोबारा बोल सकती हूँ। बाद में नंबर लगेगा। गौरी जी प्रभु जी मम्मी और बेटे को तो होगा ही पर उसके फ्रेंड भी अगर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उससे। कांता माता आप लोग भागवतम का एंगल ही नहीं देख रहे हैं। कांता माता हरे कृष्णा प्रभु जी। बच्चे को होगा क्योंकि बच्चा सवेरे उठ के माता पिता को नमस्कार करेगा तो उसमें सात्विकता आएंगी और उसका ज्यादा फायदा होगा क्योंकि वो माता पिता को मानता है और भगवान को भी मानता है। आपको 5 ही मार्क्स मिले। मनीष जी जिनका बोल के हो गया हाथ हटा लो। मनीष जी हरे कृष्णा प्रभु हरी बोल। यस माता जी नागवणी माता जी मम्मी जो मम्मी आलसी रहती है उनको भी फायदा होगा क्योंकि सब जल्दी जल्दी निपट लेते तो थोड़ा सा हमें भी हमारा काम करने के लिए टाइम मिलेगा। बच्चों का पहले निपट लिया ना तो हमारे को भी टाइम मिलेगा। ठीक है आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा 6 मार्क्स। सुजीत कुमार थैंक यू सो। प्रभु जी अगर वो सुबह उठता है जैसे आज भी बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं लेकिन सुबह उठ के अगर वो नाम जप नहीं करता है तो सुबह उठने से कोई फायदा नहीं है। हम कह रहे हैं उसको सुबह क्योंकि उठाया उतना ही बात करो
जपा कर रहा है नहीं कर रहा है, पांव छू रहा है। अरे पहले उठने तो दीजिए प्रभु जी, बाद में नाम जप की बात। सुजीत कुमार भी हो गए। माँ माधुरी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। मम्मी को होगा क्योंकि मम्मी उसको सात्विक है, तो आध्यात्मिक ज्ञान से वो उसको खुद की भी प्रगति होगी और बच्चे को भी वो देगी। वो बोलते हैं कि माता वो जो गुरु न सत्यान। साढ़े पांच मार्क्स। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मम्मी को सुबह उठने से फायदा ये होती है, मम्मी भी सही रास्ते पे चलती है और बच्चों को भी सही रास्ते में लाने के लिए वो बच्चों को भी सुबह उठाती है प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सबके जैसा सेम ही है, मतलब यही कहूंगी कि जैसे सुबह का जो है समय, उस समय जैसे कृष्ण जो है वो उजाले के समान है और माया अंधकार के समान है, तो हम उसको क्रॉस करके जाते हैं और अंतरंगा शक्ति के माध्यम में अगर हम रहते हैं भगवान के सहयोग माया का, फिर हमें पढ़ाने का परिणाम। सॉरी प्रभु जी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ये दुनिया ऐसी बनी है ना, आप जो इधर करोगे तो उधर प्रकृति आपके साथ वो करेगी। आप चाहते हो बच्चा जल्दी उठे और सब तो अवलंबन करे, तो उधर आपके ऊपर जो आवरणात्मिका शक्ति है जीव के ऊपर वो निकल जाएगा धीरे धीरे। बात समझ में आया? कर भला तो हो भला। एक्चुअली वो उसको नहीं उठा रहे हैं, जब वो उसको उठा रहे हैं बच्चे को, तो आप तो चाहते ना कि सत्वगुण का अवलंबन करे, जल्दी उठे, प्रातः स्मरण करे, जो भी, तो आप वो स्ट्रिक्ट हैं, मतलब नहीं लाड़ प्यार नहीं, उठो मतलब उठो। उधर आप बन सकते ना, रहने दो रहने दो, प्रकृति वही आपके साथ करती है। आपने स्ट्रिक्टली उसको प्रकाशमान करने का कोशिश किया तो वो आपके ऊपर का आवरण हटा देती है थोड़ा थोड़ा और आपको प्रकाशमान कर, आपको सत्व का मिलेगा, आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे विचारधाराओं से संपर्क होगा। समझा? अगर आप बोलेंगे नहीं मेरा सोनू मेरे बेटा सो जा, कल बहुत थक गया होगा ना, बटन दबा दबा के मोबाइल पे सो जा, तो माया बोलती फिर तू भी सो, चल तेरे भी पांच छह जन्म यही काट लेते। तो इसलिए अब सिंपल है, जैसे अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, अगर मुझे कुछ अच्छा चीज पता चला जो मुझे लगता आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बताता हूँ, तो उससे आपका तो होगा ही फायदा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पता चल गया। लेकिन देख के मेरा ये सिंसियरिटी देख के भगवान भी खुश होते हैं, अरे बताता है तो इसको रिवील करो, जो जो इसको नहीं आता वो भी इसको बताओ तो और पता चलता है। लेकिन कोई संकुचित विचारधारा का व्यक्ति हो जाए मुझे तो पता है, मैं इन लोगों को बताऊं तो फिर भगवान बोलेंगे तो फिर रुक जा, मेरे को भी बहुत पता है, मैं भी तेरे को नहीं बताऊं। प्रकृति ऐसा काम करती है, टिट फॉर टैट। तो आपको आपके सामने कोई अंधकारमय कार्य हो रहा है तो उसको साफ सुथरा करना आपका काम है, वो करने से क्या होगा आपका होने लगेगा। कभी कभी कोई गरीब बच्चा है ना, वो बड़े शोरूम में घुस जाता है, तो देखता है इतना ना कपड़ा ऐसा देखते रहता है, उसका तो कोई औकात होता नहीं लेने का। उधर कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है अमीर, उसको इतना ये सब कपड़े ऐसे खरीद सकता है, वो देखता है गरीब ये कपड़ा लेना चाहता है, वो देखता है वो ले नहीं सकता, बाहर से ऐसा दिखाता अपने दोस्त को, मस्त है ना, दो दो गरीब बच्चे दिखाते हैं वहां से, वो जो अमीर है वो उनको बोलता है इधर आओ, अब दोनों को वो सेट दे देता। उसी प्रकार भगवान यहाँ पे आपसे कुछ चाहते नहीं, वो देख रहे तू दूसरों के साथ, तू खुद भी क्या करना चाहता है, तुम तमोगुण रखना चाहता है तो तेरे ऊपर पूरा तमो का लेप लगा देंगे, तुम सत्व लाना चाहते तुम तो हम तेरे पे भी सत्व लगा। इसलिए जो माता पिता अपने बच्चों को भक्ति मार्ग में अड़ंगा नहीं डालते और उनको आगे प्रगति करवाते हैं, उनका मुक्ति का मार्ग ऐसी खुल जाता है। ध्रुव महाराज को उनकी माँ ने रास्ता दिखा दिया, ये नहीं बोला कि ना बेटा तू चला जाएगा, बच्चा है तू कहाँ जाएगा रे यहाँ पे, ये लोग क्या है, साधु लोग बूढ़े बाड़े घर छोड़ के जाते हैं, अभी तो तू भला भला बच्चा है, कुछ भी नहीं बोला, जा भगवान को मिलना है जंगल में। अंत में इस माता ने तो तपस्या भी नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, तो महारानी की तरह बैठी थी। लेकिन ध्रुव ने जब भगवान के धाम जा रहे तो माँ को पहले बोला कि मेरी माँ को ले चलो, मेरी गुरु है, माँ सबसे आगे, वो तो क्यों आगे जा रही है, तो हमें हम जो दूसरों के साथ करें वही हमारे साथ होना है।
आप अगर अपने नीचे वालों को चीट करोगे तो अगर ऊपर से प्रकृति आपको चीट करेगी, ये माया का स्पेशल शक्ति है। तो यहाँ कहा गया कोई धनी व्यक्ति है, उसको धन कमाना आता है, परंतु दुर्भाग्यवश उसके ऊपर अगर आवरण डाल दिया तो नहीं कमा पाएगा। उसी प्रकार जीव जो है विद्या ले सकता है अगर वो लिबरेशन के रास्ते पे चले, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी कभी माया जो आवरण शक्ति उसके ऊपर डाल देती है। बाय विद्या द जीवर रियलाइजेस दैट ही इज आत्मा और तुम। जीव जो है वो समझ जाता है कि मैं आत्मा हूँ और इस शरीर से इन देहात्मक चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं। हमको रोज ये चीज रिवॉल्यूशनराइज और ऐड याद रखना चाहिए कि हम सब आत्मा है, ये शरीर जो है ये केवल एक लेप है। रोज याद करना चाहिए स्मर नित्य अनित्यताम, स्मरण करते रहो। He does not realize परमात्मा और तत्व by विद्या which is सत्व। तो एक्चुअली क्या है, विद्या जो है सत्व से भरा है, इसे वो समझता नहीं, इसलिए भक्ति चाहिए। Because the Lord is beyond gunas, the Lord he realizes the Lord only by pure भक्ति। क्योंकि भगवान तीन गुणों से परे हैं, तो आपको तीन गुणों से परे होना पड़ेगा भगवान को समझने के लिए। For the Lord says भक्त्याहम एकया ग्राह्यः। 11वां स्कंद 14वां अध्याय 21वां श्लोक। I am achieved only by bhakti, मैं केवल भक्ति से प्राप्त होता हूँ। He also says kaivalyam sattvikam jnanam, ज्ञान which gives liberation is in mode of goodness, Canto 11 chapter 25 verse 24. One cannot realize Paramatma who is beyond the gunas by vidya which belongs to sattva gun. इसलिए इस संसार का जो ज्ञान है वो सत्व वाला है, तो वो ज्ञान से हम भगवान को साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए कई लोग संस्कृत के बड़े बड़े पंडित होते हैं, उनको भागवत से दर्शन नहीं होता। वो विद्वान होते हैं, चंदन त्रिपुंडी टीका का सब लगा लेंगे, बड़े बड़े व्याकरण को समझा देंगे, भगवान को नहीं समझ पाते क्योंकि भगवान तीन गुणों से परे हैं। एंड विच मीन्स नॉलेज ऑफ आत्मा सेपरेट फ्रॉम बॉडी रादर देन विद्या विच इज डिस्ट्रॉयड बाय भक्ति। तो इसके बारे में कल हम देखेंगे तात्पर्य में, ठीक है। ये पॉइंट कल आपको ऑफिस एलोबरेट करके समझाऊंगा और एक दो तीन सेशन लगेंगे क्योंकि परपोट आचार्यों का थोड़ा लंबा है। यस आज पता नहीं क्या हो रहा है, मुड़ी खाए बहुत रिलैक्स फील हो रहा है पानी में। यस किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते श्रीनाथ जी प्रभु। एक बार वेदांत सूत्र आपने बताया ना, वेदांत सूत्र में तीन चीज क्लियर बताता है, समझाता है आपको, वेदांत सूत्र में संबंध अभिधेय प्रयोजन, पहले दो पद संबंध में है, तीसरा पद अभिधेय, चौथे में प्रयोजन, कैसे भगवान को पाना है। यस रतन जी आपको सवाल है। ओके, जिनको सवाल नहीं है और पिछला हाथ ऊपर के वो हटा दो, अब हाथ नहीं चाहिए हमको, कमर खिलाना है। यस अब राजेश जी क्वेश्चन है आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि देवलोक में जो भी होते हैं अगर कुछ शापित होते हैं तो जैसे कि ये मृत्यु लोक में आते हैं, क्या हम लोग भी शापित है प्रभु जी जैसे कि मृत्यु लोक में इतने एक कर रहे? हम लोग अपनी इच्छा से आए, शापित वापित नहीं रहते जी। रहेगा भी तो किसे पता चलेगा, हमको नहीं पता चलेगा जी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। यस अरविंद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्त महात्मा जो है इस प्रकृति को किस रूप में देखता है? वो एक्चुअली इसको भगवान की छाया शक्ति के रूप में देखता है जो अपना प्रभाव डाल रही है और जीव को आवरण और विक्षेप रूप में फंसा रही है, वो इस रूप में देखता है।
ठीक है हरे कृष्ण यस यस रतन जी सुजीत कुमार जी हरे कृष्ण प्रभु ये पूछना था जैसे जो महाभारत है उसमें कुंती माता ने बहुत सारे टाइम जो जैसे अन्याय हुए हैं पांडवों के साथ उस टाइम क्यों नहीं बातें की जैसे जब भीम को जहर पिला के डाल देते हैं या जैसे जब द्रौपदी के साथ भी अन्याय हुआ था भी या फिर वापस जो धृतकीड़ा में वापस जो चीटिंग करके उनको भेजा गया तो वहां पे उन्होंने रेबेल क्यों नहीं किया या उन्होंने आवाज क्यों उठाई कि ये गलत हो रहा है। एक मिनट है प्रभु जी सुजीत कुमार जी ये लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब क्यों दिखा रहे हैं ये क्लास पार्थसारथी सचिसुत गुरु कौन है इसमें लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब क्या है प्रभु जी मुझे भी दिख रहा है प्रभु जी कई दिनों ये प्रभु जी कई दिनों से आ रहा है और इसको ज्वाइन करने से कुछ और ही खुल जाता है तूने कुछ तो किया है इसको हटा दे ज्यादा आरएनडी मत मारा कर मेरे वो आईडी से समझा आप लोग करो ज्यादा खुजली वाला दिमाग कुछ भी ना मत लगाओ कैसे आ रहा है वो रिसर्च कर गुस्ताख बीच बीच में आता है प्रभु जी वो मतलब प्रभु जी मेरे को पता है ये क्या लग रहा है ये लग रहा है कि जैसे कि आप मीटिंग में हो और आपको अगर आप मतलब लाइव यूट्यूब अगर कोई स्क्रीन दिखाना है तो शायद इसके लिए है मतलब अगर जैसे लोग दो अलग अलग जगह पे लगे रोग मतलब रह रहे लोग एक साथ मूवी देखते हैं ना कभी कभी तो वो है शायद ये कोई आप में से कोई लाइव किया है क्या यूट्यूब नहीं नहीं ये आपके ही आईडी से हुआ रहेगा क्योंकि वहां से होने के बाद ऐसा होस्ट हमको ऑप्शन आता है कि ज्वाइन करना है या नहीं करना है तो आज मैंने ज्वाइन नहीं किया है क्या होता है लाइव क्या दिखता है उसमें हम जो भी सेशन ले रहे हैं ये लाइव स्ट्रीम हो रहा होगा वहाँ पे यूट्यूब पे आपके चैनल पे नहीं हो रहा है ये कुछ और ही खुल जाता है हर गूगल मीटिंग में ऑप्शन आता है प्रभु जी क्या कैंसिल हो गया कुछ भी कर दो टेक्निकल टीम काम पे लग जाओ प्रभु जी ये कह रहे बताऊं प्रभु जी ते यूट्यूब चं येतं एक्सेप्ट येतं आणि डिसलाइन येतं पण ते आपोआपच ह्याच्यामध्ये जातं एस्पेक्ट मध्ये जातं काय कळतच नाही ते वो सब टच मत किया करिए आज मैं बस चेक कर रहा था काय टच नाही केलं तरी पण ते जातं जान दो मेरे को फेमस कर रहे लगता कोई तो छोड़ो एंजॉय करो तो सरकार चाहे कैंसिल भी कर दो तो भी आ जाता तो प्यार कर रहे हैं लोग मुझे इतना तो मोबाइल गर्म हो रहा है और अरे कोई नहीं रिलैक्स रहो मैं जब कोई नया बात तो बोलता नहीं भागवत भी बोलता हूँ थोड़ा बहुत पॉलिटिशियंस की धुलाई करता हूँ तो क्या उनको चलते रहते उनका जिंदगी उजी तो अब है इन्होंने पूछा कुंती महारानी ने इतने बचपन में जहर पिला ये सब किया तो क्यों महारानी ने विरोध नहीं किया यही सवाल है ना प्रभु आपका सुजीत जी हाँ प्रभु जी हाँ तो एक्चुअली क्या है कि देखिए वो मर्यादाएं होती है वर्णाश्रम और उन मर्यादाओं से ही जैसे कभी कभी बॉलर है वो बैट्समैन को बाउंसर फेंकता है उसके मुंह से इधर जाते इधर लग जाता है हेलमेट में तो नीचे वाला बैट्समैन मार नहीं सकता उसको बॉलर को क्योंकि उसको वो अलाउ किया गया रहता है बाउंसर डालने को एक ओवर में दो बाउंसर अलाउड है तो वो उसको मना नहीं कर सकता बस वो बैट्समैन को बोलता है इसका ध्यान रखना इसको हम ठोकेंगे बदला ले सकता है पर बोल नहीं सकता और क्योंकि कुंती महारानी स्वभाव से बड़ी सेटिस्फाइड थी मतलब ज्यादा उनकी अपेक्षाएं नहीं थी और उनको पहले से मालूम था जैसे कभी कभी आदमी कुछ मालूम नहीं होता ना आदमी बौखला जाता है उनको पहले से मालूम था क्योंकि वो एडवांस थी
उनको ये मालूम था कि ये लोग जो है ये वो है मतलब हमसे द्वेष करते हैं, तो ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे एक व्यक्ति था वो थोड़ा द्वेष कर रहा था, यहाँ पे भी था, तो मैं समझ गया कुछ ना कुछ तो कांड करेगा, तो वो आदमी कहीं ना कहीं जाके बदनामी कर देगा कहीं। अभी जैसे मैंने संस्कृत के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैं ग्रुप क्यों नहीं बना था, वो आपस में ही लोड लड़ना झगड़ना टाइम पास करके कचरा कर देते, तो इसलिए फिर भी संस्कृत के लिए बना दिया। तो पॉइंट क्या है कि एनबीएस जो व्यक्ति होता है ना वो जरूर कुछ तो करेगा, ये पहले से मालूम था। कुंती महारानी तो बहुत बड़ी भक्त थी, वो तो धृतराष्ट्र को देख के गांधारी का मूव समझ के बच्चों का मूव समझ के समझ गई थी। लेकिन जब एक लेवल आता है ना तो व्यक्ति भगवान पे छोड़ देता है, बोलता है कि प्रभु इससे आगे मैं क्या बचाऊंगी, अपनी पांच बच्चों को कहाँ बचाएगी, हर बार तो गोद में लेके बैठ नहीं सकती, बच्चे बड़े हैं क्या करेगा, क्षत्रिय हैं राजकुल राजकुल से हैं। तो भीष्म देव थे तब तक उनका सेफ्टी था, जब युद्ध के समय भीष्म उस पक्ष में हो गए तब उनको प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अच्छा हुआ भीष्म उस पक्ष में है तो कृष्ण इस पक्ष में आ गए, वैसा मर्यादाओं के कारण। वैसे वो एक सॉन्ग है ना, कौन सा सॉन्ग है वो, बताना भी नहीं आता जताना भी, हाँ तो वैसे है वो, सब है लेकिन बोल नहीं सकते, मालूम है यही कर रहा है, ये मेरे बेटे को मारने का प्लान कर रहा है, ये कर रहा है, चुप बैठ बोल नहीं सकते, बस अपना बचाव कुछ कर सकते, क्योंकि आप एक्सपोज करोगे तो प्रूफ कहां से करोगे, बोलेंगे आप राजा पे आरोप लगा रहे हैं क्या करिएगा, ऐसा होता है। अभी मेरे ऊपर एक अधिकारी था, रांची से पेपर में निकाल दिया मेरे को एज एन अथॉरिटी, मैं कुछ बोला नहीं होता, फिर कुछ तो बोला कि तुम वहां जाओ अजमेर में प्रेसिडेंट बन जाओ, मैंने बोला कि प्रभु अगर मैंने कुछ गलत किया है तो बताइए, नहीं तो ऐसे तो कोई किसी को कहीं भगा देगा। तो बोलते क्या प्रूफ है तुम वहां रहते थे, मैंने बोला 3 साल से वहां रह रहा हूँ, इसका क्या प्रूफ चाहिए, प्रूफ कर पाओगे, मैंने बोला उधर का प्रेसिडेंट को मालूम है ना पटना वाले में रहता था, नहीं वो नहीं कबूल करेगा, तो मैं बोला इसका इतना सेटिंग है कि वो भी सेट है ये भी सेट है, तो मैं बोला भाई इसमें क्या लड़के मिलना है, प्रूफ करके भी मैं आता नहीं था, बोला जॉब मिल जाएगा। तो ऐसा रहता है कभी कभी आपको मालूम रहता है कि ये व्यक्ति ये सब करेगा, तो आदमी झंझट में गिरना नहीं चाहता। कुंती महारानी को भगवान पे पूरा भरोसा, इसलिए तो इतनी बड़े बड़े प्रार्थनाएं उनकी भागवत में आई है ना, कहाँ है धृतराष्ट्र का प्रार्थना थोड़ी आया हुआ, उन्हीं का आया। यस रेणु माता, कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माया देवी इतनी स्ट्रोंग है, भक्ति में भी आपने बताया कि धोबी पछाड़ देती है, तो उनसे कैसे बचा जाए प्रभु जी? बचना नहीं है ना, भगवान की सेवा में लगे रहो, मेरे सेवा में लगो, मैं इस माया को दूर कर दूंगा, भगवान बोलते हैं ना देवी ऐसे गुण मई मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती, माया से तर जाओगे अगर मेरे पास। और एक और बात थी प्रभु जी, आप इतने गुरुकुल चलाते हैं, आप अपने आप को कैसे कूल रख लेते हैं? वो मेरा बायोग्राफी आएगा पिक्चर, तभी तभी देख लेंगे, थोड़ा तो बताइए। अरे कुछ मेरे बारे में क्या होता, भागवत भागवत सुनो, बहुत अच्छा प्रभु जी आए। अरे वो आप लोग है ना, इधर उधर डाइवर्ट मत करो, भागवत पूछो। ऑलरेडी आज मैंने मुड़ी खाया, मुझे पता नहीं क्यों आलस टाइप फील हो रहा है अंत अंत में, आंख ऐसे हैवी हो रहा है, लगता है उसका जो गैस है उसे वात प्रवृत्ति बढ़ रहा है। यस रतन जी, हाँ बाबू जी, वो जो आवरण और विक्षेप है उसमें आवरण थोड़ा क्लियर हो रहा है, विक्षेप थोड़ा बता दीजिए प्रभु जी। विक्षेप मतलब फेंक देती है माया देवी, क्या करती है आपको लेके डाल देगी जा, और एक है जो आप कर सकते हो उसको छुपा देगी जी, समझा जी। अब जैसे कोई भक्त है, भक्ति में आया है, लेकिन फिर आया तभी उसको हेल्प किया, लेकिन अब वो थोड़ा इनसिंसियर हो गया है, अप्रामाणिक हो गया, तो फिर माया देवी उसके ऊपर आवरण डाल देगी, ढक देगी जी। अगर लेकिन इसमें क्या है, वो फेंक देती है, जा ये माया में गिर, तो वो भक्त को उठा के फेंकेगी नहीं,
फिलहाल के लिए ढक देगी कि भाई अभी ये तुम्हारे लिए उपयोगिता नहीं है ऐसा। जी जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाती है तो देखते हैं बच्चे सिंसियर है तो सब बताती है, लेकिन देखते हैं कि बच्चे जो है बदमाशी कर रहे हैं तो जो बताने वाला चीजें छुपा देती है जी, लेकिन क्लास से बाहर नहीं निकालती। लेकिन जो बहुत बदमाश है उसको क्लास से बाहर निकल भाग यहाँ से। जी प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी हरे कृष्ण। राजवीर जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा सवाल ये है कि भागवत मतलब भागवत को पढ़ने का सही तरीका क्या है और इसको जीवन में कैसे अप्लाई करें। देखो कौन सही तरीका तो क्या है, पहली बात तो जिसको भूख लगा है ना वो कभी नहीं बोलेगा कि रोटी काला है ज्यादा सीख गया है। चावल कभी कभी चलाते हैं ना तो वो नीचे वाला कभी कभी जल जाता है, देखा है आपने। तो घर में माए वो खाती है ताकि बच्चों को ऐसा ना मिले, पति को अच्छा मिले, माए ये चीज का ध्यान रखती है। लास्ट वाला मेरी मम्मी कभी कभी जल जाता होती थी, अरे ये मुझे बहुत पसंद है। तो हमको पहले बच्चे थे तो पता नहीं चलता था, फिर बड़े होने पर हमने बोला मत खाए तो वो जल जाता है। लेकिन जिसको भूख लगा है ना वो जले वाले में भी नमक डाल के खा जाएगा, उसको मालूम है भूख लगा है। तो पहली बात तो हमें तत्पर होना चाहिए और लालसा होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने का। भगवान की सेवा के लिए इतनी लालसा होनी चाहिए कि कोई कुछ बोल रहा है कृष्ण बोलते हैं आपको कृष्ण सुनाई देना चाहिए। बाद में हमारा इतना कान वो हो जाते हैं वो बोलता है तो हमको प्रभु सुनाई देता है। तो पहले तो तवा गर्म होना चाहिए, फिर कुछ भी कोई भी रोटी सेक के खा सकता है। वैसे आपको तत्पर होना चाहिए, ईगर होना चाहिए और ईगरनेस बनाए रखना चाहिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर् भक्ति प्रसिद्धति। हाँ ये जो है आपकी भक्ति को बढ़ाएंगे, उत्साह होना चाहिए जीवन में। ये नहीं कि हम आत्मा है मुझे भोग करना था अब हम कैसे भोग करेंगे, ऐसा नहीं। हमको नजम आत्मा है, अब ये शरीर एक्स्ट्रा मिला है इसको पूरा भगवान में लगाएंगे, पूरा इतना लगाएंगे कि शरीर बोलेगा अरे भाई छोड़ दे मेरा लिमिट खत्म हो गया। हाँ जैसे कभी कभी हमारे घर वाले हमको पैसा देते हैं ले लो 100 रुपए बर्थडे में, हम लोग सोचते क्या क्या खाए, पूरा 100 रुपए खा के खत्म करेंगे ना, खत्म पूरा वसूल। कभी कभी कोई कॉन्ट्रेक्टर को सरकार सैंक्शन करती है 1 करोड़ रास्ता बनाओ, वो सोचता है कितने में सस्ते में रास्ता बना के पूरा पैसा कैसे लूट लूं। वो भौतिक वाले होते हैं, वैसे हमको अध्यात्म होना चाहिए। कह रहे हमको साधु संत संग मिला है, ये कहाँ मिलता है, लूट लो ले लो डालो कान के अंदर डाल दो भड़बड़ भड़बड़ भड़ भर दो, ये भाव होना चाहिए तब आपको वो एक्चुअल प्रिंसिपल है। बाकी आप पहले से पढ़ते हैं कि बीच से पढ़ते हैं मध्य से पढ़ते हैं कि आधा पढ़ते हैं, इसे क्या मतलब। अच्छा और इसको प्रभु जी अप्लाई कैसे किया जाए, मान लीजिए कोई चीज कोई शिक्षा समझ में आई और अप्लाई करने में बड़ा कठिन होता है कोई चीजों को, तो इसको मतलब किस तरीके से, मतलब जो स्पीड ब्रेकर होता है ना रस्ते का, वो स्पीड ब्रेकर पार किया तो एक चीज अच्छा रहता है, आगे तो 5 किलोमीटर स्पीड ब्रेकर नहीं होगा हाईवे पे तो आप गाड़ी चला सकते। वैसे ये जो हर्डल्स हैं ये आपको और फास्ट बनाते हैं। मैंने एक भक्त को भेजा था एक एक्सपेरिमेंट कि आप भी कर सकते हैं, एक ऐसे स्लांट में लकड़ी रखिए और यहाँ बॉल बैरिंग रखिए और एक ऐसे उबड़ खाबड़ रखिए, ऐसे ये उबड़ खाबड़ वाला बॉल पहले नीचे पहुंचता है। इससे पता चलता है कि जीवन में कठिनाई है तो आपका एक्सपीरियंस आ जाता है, उस एक्सपीरियंस से अगला काम आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। फिर उसमें कुछ कच्चा चीज रहता है जो हमारा बचा रहता है, फिर फास्ट ऐसा हो जाता है। जी प्रभु जी हाँ ये जो आपने अभी बताया ना तो ये तो कुछ जीवन में अभी कुछ एक्सपीरियंसेस हुआ है उससे बहुत सारी चीजों को हमने सीख लिया है, तो ये सही है आपने जो बताया। थैंक यू प्रभु जी धन्यवाद। हाँ जी बोल यस। और कौन बचा है अरविंद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा मुझे प्रश्न नहीं है एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है। आपने एक बार बताया था कि जो टाइम फैक्टर है वो तीनों गुणों पर अपना जो है प्रभाव डालता है और ये तीनों गुण जो है वस्तु के स्वभाव पर जो है प्रभाव डालकर उसमें उसे चलायमान करती है।
गीता के दूसरे अध्याय में आपने एक बार वो आत्मा के लिए एक गुण कहा गया, स्थारूढ़ अचलो अयम सनातना, आत्मा स्थिर है। तो यहाँ से इसका अगर कनेक्शन किया जाए तो ये जो है तीन गुण ही मतलब कुल चलायमान कर रही है, केवल आत्मा जो है स्थिर है, क्या ये सही है प्रभु जी? बराबर, आत्मा इसमें लिप्त है ही नहीं, आत्मा बस आवरण से ढक दिया गया है क्योंकि वो इच्छा नहीं कर रहा भगवान को देखने की। तो जैसे हम परछाई को देखते हैं, हम देखते हैं परछाई बन नहीं सकते, हम परछाई को टच कर सकते हो आप परछाई इन्फ्लुएंस कर सकते हो लेकिन परछाई को टच नहीं कर सकते, आपका रिफ्लेक्शन है वैसी प्रकार। वेरी गुड, ठीक है, हरे कृष्ण। देख रहा हूँ कौन कौन क्लास में है, स्क्रोल कर करके जो लोग सिंसियर है। यस, और किसका क्वेश्चन बचा है? रेणु माता, आपका और भी कोई क्वेश्चन बचा है? यस प्रभु जी, प्रभु जी आपने जो माता का अभी क्वेश्चन पूछा था कि वो तमोगुण से निकालेगी उसको, तो वो भी जैसे टीचर है किसी स्टूडेंट को निकालता है तो टीचर को भी निकालने का भगवान उसको निकालते हैं, यही आपने बताया ना प्रभु जी? जो भगवान ही निकालते, माया जो है उसको और किसी उसमें डाल देती है। नहीं नहीं, जो आपने अभी बोला कि जो भी हम देंगे वो हमें रिटर्न मिलेगा, जो माँ को बच्चा अर्ली मॉर्निंग उठाने के लिए आपने बोला ना, वैसे कोई चीटिंग किसी के साथ होती है तो उसने किसी को चीट किया है, कभी उसको वो चीज मिली है प्रभु जी? हाँ, तो उसके साथ प्रकृति भी बड़ा चीटिंग करेगी। यस, जब वो दूसरों को यूज करता है, चीट करता है, तभी उसके साथ चीटिंग होती है ना प्रभु जी? जी, थैंक यू। यस आकाश जी, प्रभु जी एक प्रभु जी प्रश्न विचारला होता, त्याचा मला विचारायचे की प्रधान म्हणजे जे अनमॅनिफेस्टेड असतं त्यांना तीन गुणांच्या अंडर त्यांना म्हणतात का? आणि महत्त्व म्हणजे जो अभी आगे परपोट में आने वाला है, आप कल कल परसों तक रुकिए, प्रधान आने वाला है। ठीक है प्रभु जी। यस विकास जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन था कि जो भी प्रकृति के तीन गुण है ये हमारे केवल मन बुद्धि अहंकार को ही इम्पैक्ट करता है ना, और किसी को इफेक्ट नहीं करता? आई गेस ना, इम्पैक्ट तो वो उनको भी नहीं करता, वो खुद ही तीन गुणों का भाग है ना, वो हमें इन्फ्लुएंस करता है, मतलब वो चेंजेस लाता है ऐसे समझे, जैसे माइंड में ही डिजायर्स होते हैं वो उसी को उसमें चेंजेस लाते रहे, वो उधर होते रहेगा, आप बस उसमें फंसे हैं, आपको लग रहा है कि ये मैं हूं लेकिन वो आप है भी नहीं ना। हाँ जी, हाँ जी, मतलब आत्मा तो भी अपने आप में एक अज्ञानता है। हाँ जी, तो मतलब जैसे तमोगुण प्रोमिनेंट हो गया, तमोगुण का मेरे अहंकार में आया तो मेरे मतलब उस टाइम पे वैसी कुछ घटनाएं होंगी जो मेरे मन बुद्धि को इफेक्ट करेगा उस टाइम पे। बराबर, करेक्ट। तो सोल को इफेक्ट नहीं करेगा, सोल तो अलग है, ये अंडरस्टैंडिंग सही है। हाँ, अब और भी कल आएगा, कल और डिटेल आएगा। ठीक, हरे कृष्णा, धन्यवाद। यस आकाश जी। हरे हर, हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब कि हम जो मतलब कि गुरु बोलते हैं तो फिर आयुर्वेद में मतलब कि प्रकृति भी है तो मतलब कि वो गुरु है क्या? मतलब नहीं, मैं समझा नहीं। प्रकृति जो है ना, जो भगवान ने बनाई हुई है उसको मतलब कि हम गुरु मान सकते हैं क्या? हाँ, गुरु है ना, वही तो आपको भगवान का याद दिलाती है। देखो, okay, जब टीचर दो थप्पड़ मारे तो आपको समझ में आना चाहिए पापा ने पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है, मैं अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ, yes, उसको उस रूप से देखना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्ण। कांता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये शरीर का यानी दुष्कृत्य करता है या गुणों के माध्यम से अपन कार्य करते हैं, तो गीता में एक श्लोक में ऐसा है कि वो आत्मा अव्यक्त, आत्मा को उसको निर्लेप रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर आत्मा को यदि फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आगे चल के उसको क्यों फिर दंडन लागू होते, यानी वो उसको फेंटना पड़ता है ऐसा? वो बंधन जो है ना वो है क्योंकि वो भगवान की तरफ मुड़ नहीं रहा है,
जब वो भगवान की तरफ मुड़ेगा, जैसे सूर्य की तरफ देखेगा तो परछाई नहीं दिखेगा, तो वो बंधन ऐसे बनाए हुए कि उसमें सबक है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। ये प्रकृति बहुत कठोर है, किसको सुखी दिया है, किसको सुख नहीं मिला है, सबको पीट पाट के सबका बैंड बजा दिया है। फिर भी वही है कि आदमी वहां जाना नहीं चाहता, तो फिर इसी में अपने एडजस्ट कर करके रह रहे। द्वेष है ना, द्वेष भगवान से। तो प्रकृति शरीर और प्रकृति का चालू रहता, आत्मा तो निर्लिप्त रहा, तो आत्मा ना बताता है कि ऐसा बिहेव करो या ये करो, तो फिर आत्मा को क्यों इसका पाप वगैरह क्यों लगता है ऐसा? आत्मा को पाप भी नहीं लगता ना, कौन बोला पाप लगता है? वो तो जैसे आप सॉफ्ट जैसे आप बनाओगे वैसे, जैसे एक कपड़ा है, इस कपड़े को मैं नीला कर दूंगा तो ये नीला हो जाएगा, इसका इस शरीर से कोई लेना देना नहीं। तो वैसे अगर वो पाप कार्य करता है तो उसका जो शरीर है वो जड़ हो जाएगा, उसका जो मन बुद्धि अहंकार है वो कठोर हो जाएगा, उस ढांचे में हो जाएगी, अगली बार उसको वैसा शरीर मिलेगा। आत्मा फिर भी निर्लेप है, पीछे बैठा रहता है। यानी शरीर दोबारा मिलता है तो आत्मा भी घसीटा जाता है ना वो शरीर में, ऐसा वो निर्लेप है फिर भी घसीटा जाता है वो शरीर के वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है आत्मा जब निर्लेप है तो उसका कोई दोष नहीं है, वो शरीर करता है तो फिर उसको दूसरा शरीर भी मिलने को नहीं मांगता। तो मिलेगा ना, वो उसका है ही नहीं, तुम नहीं समझे। जैसे अभी मेरे सामने ये बॉटल रखा हुआ है, ये बॉटल हट गया, अब ये चाबी आ गया, तो मेरे को क्या लेना देना है, ये तो आते जाते रहेंगे। आप ये क्यों सोचोगे कि मैं यहाँ बैठा इसलिए टेबल नहीं बॉटल नहीं मिलेगा, उसका उसे कोई लेना देना नहीं, आप ही बोल रहे हो, फिर उसका टेंशन क्यों ले रहे हो? ये बराबर है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन मत लो। ये बहुत समझाने के बाद भी सबको नहीं समझता प्रभु, इसको भी थोड़ा सा समझो। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप अपनी माया मुझे समझाइए, फिर आप अपने माता जी की तरफ देखे, पत्नी की तरफ बोले पहला इधर देख, मजाक कर रहा हूँ प्रभु जी, सीरियसली मत ले, तो प्रसाद नहीं देंगे आप। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। माया देवी जो है ना, माया शक्ति ऐसी है, इससे हम आत्मा का कोई लेना देना है ही नहीं, हम केवल विमुख है, वो पहला हमारा गलती है। बाकी जो भी है ना वो खुद अपने आप में सब हो रहा है, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो बस। जैसे मैंने उस दिन इससे पहले ही बताया कि जैसे आप पर्दे पे मूवी देखते हैं, वो मूवी आपका कुछ लेना देना, पर्दा उधर है, उस पर कोई लाइट जा रहा है, उसमें कोई हीरो टाइप दिख रहा है, कोई हीरोइन टाइप दिख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो इमोशंस हैं वो आपके इधर के इमोशन से जुड़े हैं। इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्शन है ना, ये संसार जो आप बना के रखे हो जिसमें जुड़े हो, ये उसका रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो माया है, उस रिफ्लेक्शन को आप सत्य मान के बैठे हो, इसलिए आप फंसे हो। समझ गए प्रभु जी, हरे कृष्ण झंडा। मजाक करता हूँ, कुछ आप गुस्से उसे नहीं होंगे ना, तो लगेगा प्रभु जी क्या ऐसा बोलता है मेरे को। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, नहीं रहेगा तो भी वो इल्यूजरी एनर्जी है। मैं एक प्रभु जी से पूछा था तो मेरा समाधान नहीं होता, इसलिए आपसे पूछा। पूछे पूछिए, कुछ नहीं, जितना मुझे पता है उतना तो बताऊंगा। हाँ, अभी कोई हाथ उठाया नहीं था, आप सबने हाथ उठा दिया, कैसे होगा, ये अन्याय है मेरे ऊपर। अन्याय माझे कोट्यानुकोटि। कृष्ण लाल जी, यस कृष्ण लाल जी, बहुत दिनों बाद हाथ उठाए हैं। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, जो मानसिक परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, तो उसकी कितनी महिमा है? कृष्ण लाल जी का आवाज तो है नहीं, ये प्रभु जी कृष्ण लाल जी नहीं है, दूसरा कृष्ण जी। ओ देखो, मैं आवाज से पहचान जाता हूँ, ये हमारा जी का संबंध है जी। यस, क्या क्वेश्चन है प्रभु आपका? जो हम सुबह शाम नित्य मानसिक परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, तो उसकी कितनी महिमा है? वो इक्विवेलेंट है, वो परिक्रमा के बराबर है।
और जो रास्ते में जो वृक्ष आते हैं, पेड़ आते हैं, उनसे हमारे इतना लगाव हो जाता है, मतलब हम रुकते हैं उनको, मतलब हृदय से लगाते हैं और वहां जाने का मन करता है, लेकिन वहां जाते हैं उससे ज्यादा मानसिक परिक्रमा मतलब ज्यादा मुझे संतुष्टि देती है। वो ठीक है, वो आपको संतुष्टि के लिए भी नहीं करना है, हम गिरिराज जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, उसमें संतुष्टि मिले ना मिले, अगर आप नहीं जा रहे शरीर से तो मानसिक परिक्रमा करिए, जा रहे हैं तो शारीरिक परिक्रमा करिए, दोनों में आपका गिरिराज जी के प्रति जो प्रेम और आस्था है वो दिखाई दे। ऐसा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज मैं काउंट कर रहा हूँ कौन कौन। यस बहुत लोगों ने पूछा। दीपक जी, प्रभु जी तुम्ही मानता ना कि आता आपण म्हटलं जसं की आत्माला काय ये न होत आपला, म्हणजे आत्मा भोगत नाही हा शरीर भोगत, तर मग असं का म्हटलेलं की देह जरी जे जे काय आत्मा भोगितो नंतर देह काय जे म्हणतात ना देह जे देह करी जे जे काही आत्मा भोगितो नंतर असं का म्हटलं गेलं मग। हा देह करी जे जे आत्माला, पुढचा एक शब्द काय देह करी जे जे काही आत्मा भोगितो नंतर। हा आत्मा भोगतो म्हणजे आत्मा नाही भोगत, त्या ब्रह्म मध्ये आत्मा भोगतो म्हणजे ब्रह्मच्या अवस्थेत त्याला ते असं प्रतीत केलं जात, ते टेक्निकल गोष्ट आहे। अच्छा ठीक आहे, म्हणजे एक बोलायची पद्धत आहे, ती काही टेक्निकल फिलॉसॉफी डायरेक्ट नाही। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हमारी क्लास में ना एक प्रभु जी है, वो बहुत उलझा देते हैं हमें प्रश्न करते हुए, तो उन्होंने प्रभु जी ने थोड़ा सा उनको बोला हुआ है कि मैं आपके इतने ऐसे प्रश्नों के उत्तर देता, वो ऐसे मुझे कर रहे थे कि आप ये पूछिए कि महाभारत में जितने भी करेक्टर है वो माँ की कोख से क्यों नहीं आए और इसका क्या अभिप्राय है, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों के कैसे उत्तर दें प्रभु जी, ये समझ नहीं आती। हाँ जी यही देखिए, ऐसे भी कहां से कौन प्रकट होगा ये बस लिखित है, जैसे मनुष्य है तो गर्भ से आएगा, पंछी है तो अंडे से आएगा, कुछ पसीने से आते हैं, कुछ आंखों के आंसू पी जाने से आते हैं, कुछ लोग तो मन से केवल कर लेते हैं बस। तो क्योंकि पांडु जो था वो केपेबल नहीं था क्योंकि उसको श्राप लग गया था, तो देवताओं से रिक्वेस्ट किया, ऐसे भी लोग देवताओं से जाके बोलते हैं ना कि हमको एक अच्छा बच्चा दीजिए, तो सूर्य ने अपने तेज से, उनके पास पावर तो सेलेस्टियल है, उन्होंने एक बच्चा इधर दे दिया, वो पांडु के रूप में आशीर्वाद रूप में आ गया, माना जाएगा वो पांडु का ही बेटा। फिर और एक भेज दिया, फिर और एक ने भेज दिया, फिर पांच बच्चे भेज दिए, सुनते बड़े पावर, और गर्भ से तो आए थे गांधारी के जो बच्चे थे गर्भ से आए थे, पर उसने गुस्से से गर्भ को मार दिया तो गिर गया, तो व्यासदेव ने उसको 100 का पॉट्स में रख के क्लोनिंग वो सब करके जो जो भी है सिस्टम, तो 100 बच्चे आ गए, कोई प्रॉब्लम भी है क्यों, आज भी तो टेस्ट ट्यूब बेबी आता है ना, लोग लड़े पुरुष का और स्त्री का कुछ कुछ लेके वो गर्भ में डालते फिर उससे बनाते हैं, तो आज भी चल रहा था, उसमें बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कौन सा बड़ा हीरोइक क्वेश्चन पूछ लो। पर जी वो एक्चुअली इस चीज पे जोर देते हैं कि वो ना एक्चुअली रहते तो हमारी क्लास में है, लेकिन उनकी ना थोड़ी सी डायरेक्शन बड़ी अलग चलती है कि ये जो नहीं नहीं आपकी क्लास में थी, वो हमारी अमृतसर की क्लास में है, तो वो बोलते हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र है ये हमारा शरीर है और ऐसे ऐसे करके हमको बाद में फोन करके बोलते हैं, तो मैंने कहा भाई मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आती। एक फिलॉसफी है, वो क्या करते हैं इसको बोलते हैं रूपात्मक, ये लोग भगवान से इतना द्वेष करते हैं कि ये भगवान को पुरुष और वो उनको हर्ट होता है कि ऐसे कोई महान पुरुष हम क्यों किसी को बनाए, तो ये सबको नीचे एलोगोरिकल रूप में ले आते हैं, बोलेंगे अरे सुनो ये 5 पांडव नहीं थे, ये 5 हमारे इंद्रिय हैं, कहाँ लिखा है भाई, ना महाभारत में लिखा है, अब तुझे कौन बोल दिया कि व्यास ने ये लिखा है, व्यास ने इस भाव में लिखा है, तुझे व्यासदेव आके बोले थे, मूर्ख लोग हैं
एलोगोरिकल अपने, इनको क्या लगता है कि मेरे दिमाग से जो मैं सोचूं वही हाईएस्ट है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। इनकी सोच में कि पांच पांडव पांच इंद्रिय हैं, भीम जो है वो ये है। अब समझ में आया, महामूर्ख लोग हैं, ये पकाते रहते हैं। ठीक है, इनको मेरे साथ लाना है, पब्लिक को चटनी करके धो दूंगा, इनका पूछ इनके मुंह में डाल दूंगा, इसे लॉजिक दे दूंगा ना, वही पक जाएंगे। मैं वही बोला मेरे क्लास, मेरे क्लास जी, मैं तो डर के मारे आपका नंबर वो ऐड ही नहीं कर रही उसको। मैंने कहा ये प्रभु जी से पिट जाएगा। आए थे मेरे लिए बहुत पहले, कोई सरदार जी थे, कॉल किए थे बहुत पहले, मेरे को लगता है लॉकडाउन से भी पहले। वो कुछ तो निराकारी थे तो मुझे बोलने लगे, तो मैंने ऐसा पेला, ऐसा पेला, मतलब पाजी कहां आप भगवान का साकार को छोड़ के निराकार है फंसे पड़े। और लास्ट में वो एग्री तो किया, जो फोन पे था ना सामने नहीं था। ये तो महाजन है, ये तो शुद्ध पंडित है, हिंदी लिखते हैं, संस्कृत जानते हैं, ये ऐसी बातें कर करके हमको बोलते हैं। देखो द्वेष का आपके संस्कृत से कोई लेना देना नहीं होता। आप संस्कृत, हम भी आज रोज शाम में संस्कृत तो पढ़ा ही रहे हैं, तो अगर उसमें से कोई बड़ा टॉपर बन जाए, महान विद्वान बन जाए, उसे थोड़ी क्यों भगवान को समझ लिया। वो संस्कृत व्याकरण को समझा, जैसे इंग्लिश के बड़े बड़े शेक्सपियर के इंग्लिश और वो सब समझने वाले लोग होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ब्रिटिश की राजा बन गया। वो नहीं, वो उसका विद्या है। रावण भी तो ब्राह्मण था, उसको नहीं आता, तो उसको भी आता, लेकिन वो भूल गया कि राम के सीता को हाथ में लगाना। उसी प्रकार ये लोग इतने द्वेष करते हैं कि ये क्या कहते हैं उसको, वो करते हैं, मतलब भगवान को पर्सन से निकाल देते हैं, व्यक्ति तो हटा ही देते हैं, शक्ति स्वरूप में भी नहीं रखते। ये ब्रह्मवादी भी नहीं होते, ये रूपात्मक। मैंने एक बार एक बंदे से डिबेट किया, तो रात को 2 बजे तक चला, तो उसने, मैंने उसको, उसका ये कह रहा था कि, मैंने उसको जब बात करते करते भगवान पे आया, तो बोले हम ही सब भगवान है, सब बोलने लगे। मैंने बोला फिर एक काम करिए, अपने मोहल्ले में जितने लोग हैं उनको बुला लीजिए, और आप लोग ये तो वरदान दाने कहाँ कहाँ नारियल फोड़ने जाते हैं, आप ही से मांग लेंगे। बोले नहीं अभी मैं 80% बनाऊ। बोला कोई बात नहीं, आप 100 रुपए मांगेंगे आप 80 दे देना, बाकी 20 में इनको बोलूंगा, बाद में आके ले जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो वो चुप बैठेंगे। तो मैंने बोला भगवान ने गोवर्धन उठाया, आप उठा सकते हैं क्या। बोलते अरे गोवर्धन वगैरह नहीं उठाया, ये सब रूपात्मक लीलाएं लिखी है ताकि हमको रुचि आए। तो हम बोले मतलब व्यासदेव क्या चिल्ड्रन प्रोग्राम कर रहे थे क्या, कि बच्चों को कुछ दंत कथाएं सुना दो, अरे लोग ऐसा सुधर जाएगा। हाँ, बड़े बड़े विद्वान, 88,000 विद्वान वहां बैठे थे, जो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के घर वर छोड़ के आए हैं, कोई वानप्रस्थ है, बच्चे बुच्चे सब करके आए हैं, जीवन को सीरियसली खोज रहे हैं, उनको भगवान के नाम पे दंत कथा सुना रहे हैं क्या व्यासदेव जी, कि पहाड़ नहीं उठाए थे रूपात्मक है। तो चुप बैठ गए। तो क्या है, ये लोग को ना बहुत द्वेष होता है। फिर दूसरे दिन डिबेट में बोले कि नहीं हम लोग भगवान नहीं है। बोला अच्छा क्यों बोल दिए, तुम धोते आज करे। बोलने वाले लोग हैं, हमने पकाते रहते हैं जी। हम उसको, उनको ये सुझाव दे सकते कि आप ये रूपांतक चीजों से बाहर आके समझिए, हम कुछ और जो है प्रभुपाद जी कुछ और समझाना चाह रहे हैं, शायद उनका दिमाग काम कर जाए। बहुत बहस करते हैं, माता माया का आवरण शक्ति घेर चुका है। ठीक है माता जी, इस क्लास में इनवाइट करें उनको ना, इधर आएगा उनको ऐसा धोऊंगा, वो घर पे किसी को मूल सिखाएगा, मैं तो धो डालूंगा। और सबसे अच्छी बात है कि ऐसे प्रोग्राम सुनने का ही नहीं, क्योंकि अपना भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जी हाँ जी, बिल्कुल सही। नहीं देखिए ऐसा होता है, आपको बता रहा हूँ, अभी इसमें लिखा है ना कि ऐसे रिफ्लेक्टिव एनर्जी से भी दूर रहना है, ऐसे लोगों का संग करना मतलब डेंजरस है। इनको पहली बात, इनको एक ही पूछना कि आप किसके प्रमाण से ये कह रहे हो। प्रमाण तो कोई व्यासदेव का है नहीं, व्यासदेव कहीं लिखे होते पूरे भागवत में, अरे ये रूपात्मक चीजें लिखो, नारद ने बोला होता अगर व्यासदेव को कि अरे कुछ रूपात्मक लिखो जिससे मजा आए, ऐसा कहीं लिखा है नहीं। उन्होंने कहा अरे भगवान के बारे में डायरेक्ट लिखो ताकि वो समझ में आए। तो ये कहीं रूपात्मक तो बोला नहीं है, तो आप किस बेसिस पे रूपात्मक कर देते हो बताओ। तो चुप बैठ जाएंगे। हाँ एक्चुअली करेगा तो उसको पिछवाड़ा पे लात मार के भगा दो,
उसको तो नाश्ता भी दिया होगा ना, निकाल के ले लो अभी। ये लोग मूर्ख होते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जब आपसे जुड़ने से पहले 2 साल पहले मैं गीता पढ़ने का ट्राई कर रहा था, लेकिन कहीं बाजार में मतलब मार्केट में गया तो एक गीता लेकर आया जिसका नाम था यथार्थ गीता, अड़गड़ानंद ने हाँ उसने लिखा है। तो उसमें जो है ये सब जो है कुरुक्षेत्र को शरीर बताते हैं, पांडव को कहते हैं तुम्हारे 5 दोस्त हैं, तो इसमें पढ़ के बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। तब जब प्रभुपाद जी का जब गीता मिला तब जाके जो है क्लियर होने लगा कि हाँ ये सब सही है, ये जो है रूपात्मक रूप से पढ़ा रहे हैं। वो पीयूष मिश्रा का एक गाना है ना, जिसका भी की कल्पना में प्रेम जी उस हाँ जिन हाँ उस कवि को आज तुम नकार दो, आन बान शान या के जान का हो दान, तुम एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो कुछ लोग क्या है ना कवि रूप में लिखते रहते हैं, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, और कुछ लोग अपने बुद्धि से लिखते हैं, कुछ लोग साधु होते हैं लेकिन वो अपने बुद्धि से ही कुछ करते रहते। तो अपने बाकी बुद्धि का क्या स्थान भाई, उसका ऑथेंटिसिटी क्या है? व्यासदेव जी के लाइन में कुछ लिखे हो तो ठीक समझ में भी आता है। जैसे ब्रह्मवादी हैं, तो ब्रह्मवादी लोग जो हैं वो कम से कम ब्रह्म को तो स्वीकार करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो हाईएस्ट ब्रह्म को बोलते हैं तो एक लाइन में है। लेकिन यहाँ तो आपने वो भी हटा दिया, उसको अपने लेवल पे ले आए। जैसे वो तो ऐसा हो गया ना कि मैं दिन रात ये दीवालों को देखता हूँ, अब मैं गीता पढ़ के इन दीवालों से गीता को समझना चाहता हूँ कि हाँ ये 4 दीवाल 4 पांडव है और ऊपर वाला युधिष्ठिर है। अब मैं बोलूंगा हाँ तो पंखा चलता है वो सुदर्शन चक्र है, बस हो गया। अभी मैं कुछ भी बोल दूं अब मेरे करेगा फिर जाकर के वहां पे, ये इसको ये बैठा लो भी। नहीं नहीं सच्ची माता बिल्कुल कलह कर सकता हूँ ये टाइम पे। सची माता बिल्कुल कला नहीं करना, सची माता बहुत अच्छा प्रसाद बनाती है, एटलीस्ट फोटो में दिखता है, घर में भी एक दो बार प्रसाद लिए हैं। देखो ये होता है, मम्मी सुधार रही है बच्चे को, वेरी गुड। प्रभु जी आप एक बार, मैंने आपको पहले की रिक्वेस्ट किया था कि दसम ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा अगर पढ़े, क्योंकि उसमें भी रामायण और महाभारत का जिक्र किया गुरु गोबिंद सिंह जी ने, और गुरु गोबिंद सिंह जी ब्रज भाषा भी जानते थे, और पता नहीं कौन सा हार्ड कॉपी। ठीक है कुछ करो प्रैक्टिकल। ठीक है अब सबके क्वेश्चन हो गए लगता है डांट खाने के बाद। पूजा माता, सूर्यवंशी माता तो ऐसी गलती साथ उठा दी है। यस पूजा माता आगे क्वेश्चन करिए, 10 बज रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी छोटा सा ही था, आपने जैसे आज बताया था, ये जनरली सुनने में आते हैं कि भगवान से हमारा संबंध है, अगर हमें ये पता चल जाएगा तो मतलब चीजें वहीं सेटल डाउन हो जाती हैं। तो भगवान से हमारा संबंध है, हमारे स्वीकार करने से मतलब है कि हाँ हम भगवान के अंश हैं, या फिर हमारा जो उनसे इटरनल संबंध क्या है, वो जो गुरु हमें देते हैं उससे मतलब होता है इसका। हाँ ठीक है आपको सब समझ में आ गया माता, जब कितना लोड लीजिएगा। नहीं प्रभु जी नहीं आया ना मुझे ये चीज समझ ही नहीं आई। जैसे क्वेश्चन पूछे, मैं थोड़ा मोबाइल में बंदों को देख रहा था कौन कौन बैठता है क्लास। प्रभु जी मैंने ये पूछा, आपने बोला था ना कि भगवान से हमारा अगर हमें संबंध समझ में आ जाए, ठीक है, तो ये माया वगैरह ये जितनी भी चीजें हैं ये सब अपने आप ही दूर हो जाती है, मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो संबंध का मतलब सिर्फ हमारा स्वीकार करना है कि भगवान से हमारा संबंध है क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। एक मिनट आपका, चलिए आपका आपको बच्चा बना देते हैं, और आपके पापा मम्मी है ना अभी दुनिया में जी, आपके पापा मम्मी मदर फादर, आप गलती से कहीं भटक गए बचपन में, यहाँ वहां हो गए, जैसे मेला में कोई चले जाता है, रेलवे स्टेशन यहाँ हो जाता है, तो अब यहाँ वहां देख रहे मेरे मम्मी पापा कहाँ है, अब दूर से दिखे अरे वहां, तो भाग के जाते हैं गले लगाते हैं। आप देखने के बाद क्या करते हैं? उनके पास जाएंगे। तो आपको जब पता चलेगा कि ये मेरे प्रभु ये हैं, भगवान ये कृष्ण मेरे ही है, तब क्या करोगे?
हाँ उनके मतलब उनके उनका नाम लेंगे वो ही शुरू कर देंगे, उन्हीं के आगे पीछे रहेंगे, हाँ उन्हीं के बारे में चिंतन करेंगे, उनको छोड़ना ही नहीं है। हाँ। बोलेंगे जाओ थोड़ा माया में आराम करो, बोले ना माया हमको मतलब ही नहीं। हाँ मतलब वही चीज है ना प्रभु जी, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि संबंध का मतलब ये होता है क्या कि जो गुरु जैसे भाव देते हैं ना, एक एक दो चीजें हैं, दो मिनट अगर समझो मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ, समझो मैं भी लोगों से मिलता हूँ, कई बार लेक्चर दिया है या ऑनलाइन लोगों ने देखा है, तो लोग मतलब लोग होता है कि मिलना चाहते हैं बोलना चाहते हैं ना, ये सब होता है सबको होता है, जैसे बड़े बड़े जो कोई ऐसे मिल गया कोई तो लगता है कि मिलना है, लेकिन समझो ये तो आप किसी को बोलोगे अरे प्रभु जी बहुत अच्छे हैं तो, लेकिन जब मैं आऊंगा उधर तो क्योंकि आपने लेक्चर सुना है आपने, तो आप इमीडिएटली कुछ ना कुछ अच्छा बनाएंगे, कुछ तो मतलब क्या क्या दें प्रभु जी को क्या नहीं है इन्होंने आप बुक करेंगे, लेकिन वो जो व्यक्ति दूसरा है जिसको आपने मेरी महिमा बताई है पर उसने मेरे महिमा का या मेरी महिमा मतलब उदाहरण दे रहा हूँ उसका अनुभव नहीं है, तो वो केवल ज्ञान से देखेगा। अच्छा तो माता जी ने बोला कि प्रभु जी बहुत सिंपल है, ठीक है थोड़ा सिंपल भी दिख रहा है, वो अभी भी बुद्धि के स्तर पे है, ज्ञान के स्तर पे वो पूरा समर्पित नहीं है। आपको मालूम है घरे प्रभु जी बहुत मेहनत करते, प्रभु जी आप बच्चों के लिए अचार लेके जाइए, प्रभु जी बच्चों के लिए ये लेके जाइए, ये मेरे पास कुछ ये है ये ले जाइए बच्चों के लिए, आपके गुरुकुल में ये काम आएगा प्रभु जी, ये आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब आपका संबंध जो है वो एक समर्पण लेवल पे है कि रोज लेक्चर सुन रहे हैं अपना, आप अपना एक्चुअली मैं आपको क्या देता हूँ, आप सब लोग इतने सुनते हैं ना, आप लोग मुझे देते हैं अपना समय देते हैं, आप मुझे वैल्यू देते हैं, तो मैं भी सोचता हूँ कि भाई इनको वैल्यूएबल दो, कहीं छूटना नहीं चाहिए, और प्रभुपाद भी वैल्यूएबल देना चाहते, तो मैं कम से कम ढंग का मीडियम बनूं, मैं भले ही मैं सब ज्ञान ज्यादा न रखता हूँ पर फिर भी जो लिखा है वो समझ के समझाने का क्षमता तो है, तो अब वो बंदा अभी इनिशियल स्टेज पे है, धीरे धीरे वो क्लास ज्वाइन करेगा, बोले अरे हाँ ये सब बातें तो मुझे मालूम नहीं थी, फिर उसका मुझे समझ। उसी प्रकार हमारा भगवान से संबंध अनादिकाल से, तो जो ही हम भगवान के किसी भी चीज के भनक के आसपास आते हैं, हरिनाम सुनते हैं या प्रसाद खाते हैं, थोड़ा एक एब्सोल्यूट फीलिंग आता है, लेकिन जब उसमें उतरेंगे अब भगवान की कृपा हम पे बनने लगेगी तो अपने आप वो होगा, और ये कोई आपको नहीं बता सकता। मैं कल भी दो बार हुआ अभी लेटेस्ट का बात, मैंने आपको जन्माष्टमी का भी बताया था जब 7:30 लाख उतारी आ गया था लास्ट में, तो राधा रानी को जाके बोला बस देख लेना दिमाग चल नहीं रहा है, दूसरे दिन लक्ष्मी आ गया कहाँ से आया पता नहीं उसे किसने भेजा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि गाड़ी लिया उसका 5 लाख हम लोग कुछ ट्राई कर रहे, तो अभी मैंने कहाँ से तो एक डिवोटी मेरे को याद क्या करो समझ, फिर भगवान राधा रानी को प्रे किया मैंने तो कुछ तो दिमाग दे मुझे, उतने में एक व्यक्ति का नाम मेरे इमीडिएटली ख्याल में आ गया, तो वो डिवोटी ने थोड़ा हेल्प कर दिया। कल भी मेरे को 50,000 देना था, बोला था ही नहीं वैसे प्रे किया राधा रानी को देख नहीं समझ रहा है, उतने में एक व्यक्ति का नाम क्लिक हुआ जिसने 10 बार फोन नहीं उठाया लेकिन कल का फोन उठा लिया, बोला प्रभु मैं आपको करता कुछ हेल्प, मैंने बोला तुम दे दो उधारी पे मैं जन्माष्टमी तक दे दूंगा अभी दे दो थोड़ा सा क्राइसिस। तो पॉइंट क्या है अब मेरे को 31 तारीख तक और दो पेटी का जुगाड़ करना है, पर वो हो जाएगा उसके बाद मैं साल भर के लिए निश्चिंत हो जाऊंगा। तो पॉइंट क्या है कि आप अपना पूरा ट्राई करिए, फिर उसके बाद जो है आप जब आपको मालूम है कि क्या कर रहे हैं, मतलब बच्चा जैसे माँ के पास जाते हैं वैसे बस बोल देना है क्या है इसका करना है बताओ, तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को सांस से निकालते रख देते हैं, हजारों सोने के मेरु पर्वत उठा के पटक देते हैं, ये अर्जी क्या है, ये मांगना भी बेकार चीज है, लेकिन अब हम लोग जिस लेवल पे है सेवा में उस लेवल से ही हम लोग कुछ कर पाते हैं। तो ऐसा होता है जब आप भगवान पे वो अब ये मेरा अटूट प्रेम है, एक्चुअली मैं हरे कृष्णा भी छोड़ दूं, मैं प्रचार भी छोड़ दूं, मैं किसी कोने में बैठ जाऊं ना, तो ये जो संबंध मेरा बना हुआ है ये नहीं जाएगा, मुझे कोई रात भर मारे पीटे बोले कृष्ण भगवान नहीं है, तो अपना जान बचाने के लिए भी मैं बोलूंगा तो गिल्ट फील होगा, मैं बोलूंगा भाई से अच्छा मार दे, लेकिन ये विश्वास मैं कैसे छोड़ दूं, है ना। तो ये जो चीज है ये संबंध जो है और गाढ़ा होते जाते हैं, जैसे आप उनका साधना करते हैं उनसे उतना आपका प्रीति जो है भगवान के प्रति बहुत बढ़ता है, और आपको खुद फील होगा। आज भी कोई डिवोटी आया वो हमारे राधा रानी का स्तुति कर रहा था,
वो स्तुति कर रहा है और फिर मेरे आंखों में पानी आ गया। बोलते प्रभु जी मैं कुछ गलत बोल दिया क्या? मैंने बोला तू गलत नहीं बोला, सबसे सही चीज बोल दिया, लेकिन अभी मेरा क्लास का टाइम है, मैं रोना धोना नहीं कर सकता। तो ये भाव है, तो ये जो संबंध है ना भगवान के साथ, ये संबंध को स्थापित करना, इसमें हमें जीवन बिताना है। ये ज्ञान लेने में भी ज्यादा ज्ञान इतना पता चल जाए कि वासुदेव सर्वमिति, बस इतना भी पता चल गया ना, उसके बाद समर्पण कर दें। हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद भी हम ज्ञान ले लीजिए, ज्ञान लेने में क्या दिक्कत है, अच्छे अच्छे चीजों का ज्ञान है लीजिए, पर उसमें इतना भी नहीं लीजिए कि हम भगवान को ही भूल लें, है ना। ये चीज का बहुत ध्यान रखिए। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। सरवण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी। मुरवार वाला गुरुकुल में कैसे जाए प्रभु जी दादर से? आप हमको हरे कृष्ण मैसेज लिख दीजिए, व्हाट्सएप पे हम आपको नंबर दे देंगे प्रभु जी का, तो वहाँ आपको दादर से जाना है मुरबाड़, नहीं तो दादर से चले जाइए कल्याण, कल्याण से मुरबाड़ का बस मिलेगा, मुरबाड़ से मसा का शेयर ऑटो या बस मिलेगा, और मसा में वो फोन कर दीजिएगा, वहां से वो गाड़ी भेज देंगे लेने के लिए। जी 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 प्रभु जी। जी जी प्रभु जी आप कभी आ रहे हैं मुंबई? पेन साइड या मुंबई? अभी 19 मई को तो वहीं था, मुरबाड़ में था, फिर लौट गया, बहुत गर्मी था उधर, बाकी कुछ काम भी था, मुंबई में भी था मैं, फ्लाइट टिकट देंगे तो मैं अभी आ जाऊँ। अभी बाउंड्री लाइन काम चल रहा है, अभी मेरा 1 तारीख को 1, 2 और 3 को यहाँ 500 बच्चे आने वाले, उनके 2-2 मम्मी पापा यानी 1,500 लोग यहाँ आएंगे, 3 दिन भोजन, हम बच्चों का एडमिशन काउंसिलिंग, फिर सबको वही बताना कि यहाँ क्या क्या खासियत है, फिर मम्मी लोग का रोना धोना, बच्चे का रोना धोना, फिर चारधाम यात्रा ले जा रहा हूँ, उसका तैयारी में लगे हैं। हमें दिखाएंगे प्रभु जी चारधाम यात्रा? चारधाम यात्रा जहाँ जहाँ अलाउड होगा, जहाँ जहाँ टावर होगा वहां मैं कर दूंगा, वरना मैं वहां जो क्लासेस दूंगा, ट्राई कर रहा हूँ उसका बुकलेट भी बनाने का, और वो जो क्लासेस दूंगा वो रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे चलेंगे, तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा कुछ रिकॉर्ड करके उसमें हमारे एक भक्तों ने सीख लिया, क्लाइंट मास्टर क्या क्या सीख लिया वो सब डाल के डाल देगा, मैं लिंक भेज दूंगा ऑनलाइन, वो जो गाना है ना वो वहां फिक्स होता है, प्रभु जी राजमंड्री आ रहे प्रभु जी। राजमंड्री कौन बोल रहा है? प्रभु जी राजमंड्री ऊपर पहाड़ पे हिमालयों में। प्रभु जी राजमंड्री आएंगे तो आप कवर कीजिए प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम।